आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत लॉकडाउन शो शहजाद शेख में, सुस्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। अक्कू भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे दिख रहे हो, और कैसे गया आपके रमजान, उसके बारे में आप जरूर हमें बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान तो बहुत अच्छे का शहजाद। रमजान में तो तुमको मालूम है इबादत का महीना है, और ऐसे भी क्रिकेट भी बंद है, लॉकडाउन शुरू है, तो बहुत बहुत अच्छे गए माशाल्लाह इस बार के रमजान। लेकिन बस जो रौनक जो रहती है हमेशा जो रमजान में, वो इस बार देख नहीं सकी क्योंकि लॉकडाउन था, सब अपने अपने घरों में थे। लेकिन हाँ ये है कि इबादत बहुत अच्छे तरीके से हुई। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, महामारी दुनिया भर की फैली हुई है और खासकर कोरोना वायरस, इसके कारण लॉकडाउन जारी है। और ये बीमारी की अगर बात करें तो काफी डेंजर बीमारी मानी जा रही है, तो जो हमारे तमाम दर्शक हैं उन्हें आप कुछ यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से सूचना देना चाहेंगे इस महामारी से किस तरीके से अपने आप को बचाना है और सेव करना है। ऐसा है ना शहजाद, ये बीमारी जो वायरस जो फैला है, एक्चुअली हम जब 2-2.5 महीने पहले जब शारजा गए थे उस टाइम पे ये शुरू हुई थी, तो किसी को इतना पता नहीं था इस बीमारी के बारे में कि लॉकडाउन इतना ज्यादा टाइम तक हो जाएगा, और अभी भी एक्चुअली किसी को मालूम नहीं कि और कितना आगे तक चलेगा, क्योंकि बीमारी मेरे ख्याल से जितनी डिक्रीज हो रही है ना उससे ज्यादा इंक्रीज हो रही है हर दिन। तो मैं यही सब लोगों को बोलूंगा, जितना हो सके उतना सेफ रहे, सैनिटाइज करते रहे अपने आप को, जितना हो सके एक दूसरे से कम मिले, क्योंकि ये टाइम ऐसा है ना कि कभी भी किसी भी तरीके से फैल सकती है। तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा घर में रहे, और सब लोगों को घर में भी एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर रहे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, यही कहना है हमारे थाना के स्टार सर अक्कू का। तो अक्कू भाई करते हैं इंटरव्यू ऑन, और करनी है आपसे ढेर सारी बात। इससे पहले मैंने जी जी शहजाद भाई, एम्ब्रोस से मैंने बहुत सारी बातें की, लेकिन समय जो सीमा रहती है वो अनुसार क्वेश्चन आंसर हुए। अब मैं आपसे सवाल शुरू करूंगा। सबसे पहले तो आपको चांद रात मुबारक हो, और कल का दिन ईद का है तो शायद एक दूसरे से फोन पे बात हो जाए, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल के माध्यम से आपको ईद मुबारक और हमारे तमाम जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से आपको ढेर सारी ईद की शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी आपको भी और जितने भी फैन फॉलोइंग है, जितने भी लोग हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और अच्छे से ईद मनाए। बस मेरे ख्याल से अभी वायरस का टाइम चल रहा है तो थोड़ा गले विले से जरा थोड़ा अवॉइड करें अपने आप को। बिल्कुल, तो अक्कू भाई चलिए करते हैं यहाँ पर शो को करते हैं आपसे ढेर सारे सवाल। अक्कू भाई मैं जी अक्सर जी सभी से ये क्वेश्चन करता हूँ कि आपके करियर की शुरुआत आपने कैसे की, तो अक्षर शेख एक जो बड़ा नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है अक्षर शेख, उनकी करियर की शुरुआत है, तमाम दर्शक जानना चाहते हैं कि उनकी करियर की शुरुआत किस प्रकार से हुई और किस तरीके से उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की। मैंने क्रिकेट एक्चुअली पहले लेदर क्रिकेट खेलता था, उसके बाद में टेनिस क्रिकेट में आया। तो टेनिस क्रिकेट मैंने लगभग 15 साल की उम्र से ज्वाइन किया, जैसे राबड़ी से ही चालू किया मैंने। हर एक बंदा जो होता है पहले अपना क्रिकेट जो स्टार्ट करता है वो लोकल टीम के साथ ही करता है। तो मैंने भी अपना क्रिकेट 15 साल की उम्र में राबड़ी की टीम से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में 1-1.5 साल के बाद मैंने अच्छा क्रिकेट खेलना चालू कर दिया, जैसे मेरे थाना में पूरा नाम हो चुका था। फिर उसके बाद में मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट 17 साल की उम्र में ज्वाइन किया, और आज तक फिर खेल ही रहा हूँ वहां से। क्या बात है, 17 साल की उम्र में प्रोफेशनल क्रिकेट में आप ज्वाइन हुए। मैं अगर ये पूछूं कि आपको अभी भी वो क्षण याद है कि आपने प्रोफेशनल क्रिकेट का पहला मैच कहाँ खेला था और कौन सी टीम से खेला था। हाँ प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने फर्स्ट टाइम खेला था जो वाड़ा में खेला था, जो कुड़ूस साइड जो वाड़ा है भिवंडी से भी आगे। वो भी ऐसा हो गया था कि जावेद ने मुझे 1 से 1.5 हफ्ते पहले वाशी के ग्राउंड पे मिला था, पनवेल के ग्राउंड पे एक्चुअली मिला था। वो मुझे बोला था करके, मैं कभी भी तुझे बुलाऊंगा तो तू आएगा कि मेरी टीम से खेलने के लिए। वो मैशलेस की टीम थी, और मैशलेस की टीम का नाम उन दिनों बहुत ज्यादा था, मैशलेस का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता था। और मेरी भी इच्छा जो थी, मेरी भी ख्वाहिश यही थी कि मैं भी मैशलेस की टीम से ही खेलूं। तो जावेद ने जब मुझे ये सवाल पूछा कि खेलेगा क्या, तो मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल जरूर खेलूंगा। और जावेद मेरा कैसा आइडियल था, हम लोगों ने क्रिकेट स्टार्ट जो किए, देखना भी जो स्टार्ट किए, वो जावेद और नासिर की वजह से ही किए, क्योंकि हमारे थाना का तुमको मालूम है जावेद और नासिर एक ब्रांड ही थे, और उस टाइम पे वो लोग प्रोफेशनल टीम में खेलते थे, तो हम लोग भी उन लोगों को बहुत फॉलो करा करते थे, हम लोग उन लोगों के फैन थे उस टाइम पे, और हमारे आइडियल थे। तो वो बंदे ने जब मुझे पूछा तो मैंने बोला जी जरूर खेलूंगा, और जो टीम से मुझे खेलना था वही टीम का प्लेयर जावेद था मैशलेस का, तो मैशलेस के तरह से उसने मुझे पूछा कि खेलेगा, मैं बोला ठीक ही खेलूंगा। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं कॉलेज जा रहा था सुबह 9 बजे के टाइम पे, मेरा कॉलेज होता था एक्चुअली 7:30 बजे, लेकिन मैं आराम से उठ के जाता था रिसर्स के टाइम पे। तो मुझे उस टाइम पे जावेद का फोन आता है, फ्राइडे का दिन था वो,
शायद बोलता है आपको आज मैच है अपनी, तो आएगा क्या खेलने के लिए? मैंने बोला हाँ ठीक है भाई, जरूर क्यों नहीं आऊंगा। मैंने उसी वक्त कॉलेज के कपड़े उतारा, घर पे भी मैंने किसी को कुछ बताया नहीं और डायरेक्ट मैच के लिए निकल गया। तो वाड़ा में पहले टूर्नामेंट हम लोग ने खेले थे, वही टूर्नामेंट में मुझे फर्स्ट मैच में मैन ऑफ द मैच मिला, फिर वही टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर मिला, हम लोग चैंपियंस भी है। वहां से मेरी फिर प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट हुई। बिल्कुल, इस तरीके से आपकी जर्नी की स्टार्ट हुई। और आपने लगभग दर्शक जानना चाहते हैं कि अक्षर सिंह पहले भी वैसे ही दिखते थे, आज भी वैसे दिखते हैं, और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह वैसे ही दिखे। हमारी ढेर सारी दुआएं आपके साथ में। तो दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कितना समय आपने क्रिकेट को दिया है और कितने समय से आप ये प्रोफेशनल क्रिकेट और लोकल क्रिकेट खेलते। एक्चुअली अभी लगभग मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट खेल के तो 15 साल हो चुके हैं, और लोकल से अगर जुड़ू तो फिर 17 साल हो गए। लेकिन उस टाइम से लेके आज तक जैसा मैं पहले था आज भी वैसे ही हूँ, क्योंकि क्रिकेट में बोलते हैं ना फिटनेस बहुत जरूरी है। और मैं कैसा है, मैं एक्सरसाइजेस कम करता हूँ, सिर्फ बारिश के महीने में 3-4 महीने में जब रमजान खत्म हो जाते अपने, वो 2-3 महीने में मैं फिटनेस करता हूँ और वो पूरे साल भर वो मेंटेन रखता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं खाने में बहुत कंट्रोल रखता हूँ, जितनी इंसान की बैलेंस डाइट होगी ना उसका वेट उतना ही होगा। मेरे ख्याल से इतने सालों के अंदर मेरा 1 से 2 किलो ही वेट ऊपर नीचे हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। क्योंकि क्या बात है, क्रिकेट बोलते ना फिटनेस का ही गेम है, अगर बिल्कुल सही जितना फिट रहोगे उतना हिट रहोगे आप। सर, ठीक तो सर, मैंने इस चीज पे बहुत कंट्रोल किया। बिल्कुल आपने बहुत कंट्रोल किया है। और मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, मैंने बहुत से क्रिकेटरों को देखा है जो कम समय में आए और कम समय में चले भी गए, और उन्होंने भी अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन उनकी फिटनेस ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अक्षर नहीं सिंह कैसा है ना, वो लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो फिर अपने आप को उस तरीके का बनाना भी पड़ेगा ना। यस सर, ये तो बात सही कही आपने कि लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो फिर उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत बहुत मैंने जरूरी है। ये सर, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि सोना पहनने में अच्छा लगता है, लेकिन सोने को बनाने की जो मेहनत रहती है, सोने को पीट पीट कर बनाया जाता है, जब जाकर वो एक आकार लेता है और फिर उसका भाव जी और उसके सुंदर आकर्षण देखने मिलते हैं। उसी तरीके से अक्षर सही सिंह ने भी बहुत मेहनत की है, ये चीज को हम भी जानते हैं। अक्कू भाई, आपके ये पहले करियर की शुरुआत थी, आपने बताया कि मैंने इस तरीके से क्रिकेट को ऑन किया। होता है ऐसा है कि प्रोफेशनल क्रिकेट हो या फिर गली मोहल्ले का क्रिकेट हो, एक सपोर्ट होता है, एक बैक सपोर्ट होता है। जिस तरीके से मैंने एम्ब्रोस से पूछा कि एम्ब्रोस आप खेल रहे थे, आपको कैसे चांस मिला, तो एम्ब्रोस ने बताया कि मेरे पीछे बैक सपोर्ट में अख्तर शेख थे, अख्तर शेख की नजर पड़ी मुझ पर और फिर अख्तर शेख ने मुझे इस पायदान तक लग के पहुंचाने में उनका काफी बड़ा योगदान था। भले से टैलेंट उनके पास था, लेकिन नजर पड़ना जरूरी होती है। उसी तरीके से आपकी ऊपर पहली नजर जावेद की पड़ी, यानी बैक सपोर्ट आपको जावेद का मिला, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। जी भाई, ये बात बहुत 100% सही है कि जो हमारे, मैंने जैसे आपको बताया कि जावेद जिसके हम फैन भी थे और जो हमारा आइडियल भी था, उसी ने मुझे फर्स्ट टाइम पे जब अप्रोच किया कि हाँ खेलना है, उसी के बदौलत आज जहां भी मैं पहुंचा हूँ आज उसी की बदौलत हो। क्योंकि एक टैलेंट इंसान के पास होता है नो बिल्कुल डाउट, लेकिन उस टैलेंट को एक रास्ता देना, एक राह दिखाना, एक प्लेटफॉर्म देना, वो सबके बस की बात नहीं होती। वो बिल्कुल दुनिया में आपको कुछ ही लोग मिलेंगे जो आपको वो रास्ता दिखाएंगे। तो जावेद मुझे एक ऐसा बंदा मिला जिसने मुझे सच में उस दौर पे लाके खड़ा किया जहां आज मैं हूं, और मैं भी उसी के नक्शो कदम पे चलने की कोशिश करता हूं कि जब उसने मुझे उस वक्त मौका दिया था तो मेरे से भी होता है जितना, तो मैं भी बहुत से प्लेयर लोगों को ऐसा मौका देता हूँ। जैसे तुम्हारे बुमराह के भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन लोगों को मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट में लेके गया, जैसे जावेद हो गया, अकबर को मैंने खिलाया, मुदस्सिर को मैंने राजकोट लेके गया, सैफ को मैंने पिछले साल अलीबाग में खिलाया, ऐसे ही अभी वडोली के अय्यूब को देखो, फिर रवि बिल्कुल बुम्बक हो, एमरूज हो, तो ऐसे जितने भी प्रीतेश को भी मैंने पिछले बार लेके गया था मेरे साथ खेलने के लिए। तो ऐसे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, अपना भी काम बनता है कि उनको एक प्लेटफॉर्म देना। क्योंकि नो बिल्कुल डाउट थाने में मेरे ख्याल में बहुत अच्छा क्रिकेट है, बहुत अच्छे प्लेयर्स है, लेकिन बस वो लैमलाइट, वो फोकस उन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो अपना काम है कि अगर अपने से होता है, क्योंकि मेरे पास अभी पूरी टीम है, यस मैं ही सर, पूरी टीम बनाता हूं, मैं जिसको बोल दूंगा उसको टीम वाले लेना ही है। बिल्कुल तो मैं क्या सोचता हूँ कि अपने बंदे लोग को अपना फर्ज बनता है कि अपने एरिया के बच्चे लोग को लेके जाए आगे, उनकी मेहनत, उन लोग जो करते हैं वो उनका सब उनका उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बिल्कुल लेके जाने का काम मेरा है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी सीजन में अगर हम देखें, जो पिछला सीजन चला गया, रतन बुआ पाटी शीर्षक की अगर मैं बात करूं, तो रनर अप टीम रह चुकी है। घोड़बंदर क्षेत्र के सभी जो प्लेयर्स थे ज्वाइंट होकर खेले और उन्होंने
बड़ी से बड़ी टीम को मात दी, जिस तरीके से सुशांत मुकदम जैसे खिलाड़ी थे, पीटर जोशी थे, सागर थे, काफी सारे खिलाड़ी थे, पंकज थे, केतन थे, ऐसे बहुत बढ़िया एक साइड बनाकर उन्होंने परफॉर्मेंस किया, और रतन बुआ जैसी टीम टूर्नामेंट में एक रनर अप का खिताब हासिल किया। तो उसके बारे में आपने वही कहा कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो हमारे थाना की एक प्रॉपर टीम बन सकती है और बड़ी से बड़ी टीमों को मात देने की काबिलियत रखती है। तो आने वाले वक्त में क्या अख्तर शेख, ये आपकी उम्मीद रहेगी कि आप खुद की एक घरेलू टीम बनाकर प्रोफेशनल क्रिकेट में आप उतारे, और थाना की ओर से ऐसा कुछ दिमाग में आया है आपके माइंड में? जी, मेरे भी दिमाग में बहुत बार ऐसा आया है कि थाना के एक पूरे 11 बन के, जैसा भी मेघवाल मेगा लेके जाता है सब प्लेयर्स लोग को, एक थाना की एक टीम बना के। तो मेरा भी ऐसा हमेशा दिमाग में आया है कि जब मैं प्रोफेशनल जो टीम जो होती है उनसे जब एक बार अपना रापता थोड़ा कम करके अपने थाना की तरफ ध्यान दूं। और मैंने जैसा आपको बताया कि थाना के पास बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। तो एक अभी जैसे अभी हम लोगों की टीम में 4 प्लेयर खेल रहे थाना के, जैसे रवि हो गया, एम्ब्रोस हो गया, मैं हो गया, अय्यूब हो गया, और आप खुद जानते हो कि चारों प्लेयर्स ने कितना नाम किया प्रोफेशनल टीम में भी। कोई तो उससे दूर आए नहीं होगी। इसी बात से जाहिर होता है कि थाना का जो क्रिकेट है वो अच्छा क्रिकेट है। ऐसा नहीं कि हम लोग ने जाके सिर्फ जगह को भरे हैं, हम लोगों ने अच्छे अच्छे टूर्नामेंट सीरीज लिए हैं, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट बेस्ट बॉलर लिए हैं, बेस्ट बैट्समैन लिए, मतलब अपना अपना काम सब लोगों ने किए और अपना नाम बनाया है। बिल्कुल अपना नाम बनाना प्रोफेशनल क्रिकेट, पहले क्या होता था मालूम है, थाना के प्लेयर्स लोगों को बॉम्बे के प्लेयर्स लोग गिनती में लेते नहीं थे जब तक मैं था। जब बिल्कुल जावेद गया, नासिर गया, वहां से थाना के प्लेयर्स लोगों की बॉम्बे की टीम में गिनती आने लगी। मतलब जो जगह नहीं भर रहे, जो नाम कर रहे। फिर वहां से मैं गया, मेरे बाद फिर एम्ब्रोस आया, फिर जावेद, ऐसे बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्होंने जाके अपना नाम किए। तो मैं भी यही सोचता हूँ, आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद थाने की एक अच्छी टीम बनाए और बाहर की टीमों को जाके टक्कर दे, क्योंकि इतना टैलेंट मौजूद है। इस सीजन में आपकी टीम में आपके साथ में जॉइंट होकर लगभग तीन दो खिलाड़ी और नए ऐड हुए बिल्कुल 2 सीजन की अगर मैं बात करूं तो एक रवि भूमक जो कि एक उभरते सितारे के रूप में प्रोफेशनल क्रिकेट में आए और आते ही साथ अपने नाम का उन्होंने दबदबा जरूर बनाया और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, उनके बारे में आप क्या कहेंगे और किस तरीके से उन पर आपकी नजर पड़ी और आपने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया? देखिए, रवि बम्बक को एक्चुअली मैं पहले से ही जानता था, क्योंकि अपने थाना का क्रिकेट में तो खेलता ही था, लोकल्स में वो, और घाटकोपर की भी लोकल टीम में एक्चुअली खेलता था वो। लेकिन मैं क्या सोचता था कि कोई भी बड़ा प्लेयर बड़ा कब बनता है, जब वो बड़ी टीम में जाता है। अगर एक अच्छा प्लेयर वो टीम में खेले जिस टीम का नाम है, जो टीम ज्यादा जीतती है, तो उस प्लेयर का भी नाम ज्यादा होगा। तो बिल्कुल मैंने भी यही सोचा कि वो घाटकोपर की टीम से खेलेगा, वो टीम लोकल टीम है, वहां उसका उतना नाम नहीं होगा। तो मैंने क्या सोचा कि इसको बंदे को अपनी टीम में लेके जाते विनर्स में, वहां अगर खिलाएंगे, अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो इसका खुद का भी नाम होगा। और वैसा ही हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम उसको बाली ट्रॉफी में खिलाया जो भिवंडी में होती है। उसने बंदे ने फर्स्ट टूर्नामेंट में ही पहली मैन ऑफ द सीरीज लिया और बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग डाला था, क्योंकि एक बॉलर को मैन ऑफ द सीरीज मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो रवि बिल्कुल बुम्बक ने उस दौर से लेके आज तक मेरे ख्याल में सबसे अच्छी, बॉम्बे में अगर किसी ने बॉलिंग डाला है तो वो रवि बुम्बक ने ही डाला है। पिछले सीजन में उन्हें बेस्ट बॉलर भी यानी मीन्स बेस्ट हाँ, बॉलर मुंबई के रूप का में मुंबई का बेस्ट बॉलर का खिताब भी मिला। तो जी, ये सही बात जब है। जब तक के सपोर्ट नहीं मिलता है, जब तक के बैकअप नहीं मिलता है, तब तक के आगे बढ़ने के लिए जो सीढ़ी होती है वो सीढ़ी नहीं नसीब होती है। और जी, सही बात है। जिस तरीके से आपने थाना के लिए किया है, आने वाले वक्त में भी हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपके ही मार्गदर्शन में बहुत सारे खिलाड़ी वापिस से आगे निकले और बहुत सारा परफॉर्मेंस करें। चलिए जी जी जरूर शहजाद भाई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ। प्रोफेशनल क्रिकेट आपने बहुत खेला है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि प्रोफेशनल क्रिकेट में अख्तर शेख यानी अक्कू को कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा पसंद आता है और अक्कू उन्हें बहुत तहे दिल से चाहते हैं कि यार ये प्लेयर बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है? देखो, मैंने जब से क्रिकेट स्टार्ट किया तो आज तक मुझे जावेद जैसा कोई प्लेयर लगा ही नहीं, क्योंकि जब मैंने जावेद की बैटिंग देखी थी ना, मैंने सिर्फ नाम सुना था जब हम लोग उनकी मैच देखते थे, हमने उनका बॉम्बे का क्रिकेट देखे नहीं थे। लेकिन जब मैं बॉम्बे क्रिकेट में जब मैंने कदम रखा ना, जावेद ने जैसी जैसी मैच जिताया, जैसे 1 ओवर 18 रन की मैच, 1 ओवर 20 रन की मैच, मैचलेस का टाइम ना उस टाइम पे ना ऐसा था, एक टाइम ऐसा भी आया था मैचलेस का जब मैचलेस टीम ना थोड़ी बैकवर्ड चल रही थी, जब मैचलेस का फॉर्म कब पकड़ा मालूम है, जब जावेद आया ना उनकी टीम में अमरुत से, पहले जावेद मैचलेस में नहीं था, वो अमरुत से आया। जब अमरुत में जब जब जावेद अमरुत से मैचलेस में आया ना, जो उसने इनिंग्स खेला है ना, जैसे 18 रन की, 20 रन की, 1 बॉल में 6 रन की,
उसने जितने बार मारा है ना, मेरे ख्याल से शायद ही किसी प्लेयर ने मारा, वहां से उनकी टीम का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और वहां से फिर वो मैचलेस, जो मैचलेस बनी ना वहां से भी बनी, वहां से मैचलेस ने वापस अपना दौर पकड़ी। मैचलेस में काफी अच्छे प्लेयर थे, साजिद लाला जैसे एक डेंजर बैट्समैन। साजिद लाला के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। साजिद लाला के बारे में आप क्या कहेंगे उस दौर में और इस दौर में, दोनों तरफ की बातें आपको बतानी है, जब उनका दौर था उस दौर में और आज के दौर में जो 40+ में आ चुके हैं, तो उस दौर के बारे में दो बातें। लाला मेरे ख्याल से सबसे डेंजर अगर कोई लेफ्टी बैट्समैन होगा ना तो साजिद लाला ही है, चाहे वो हल्का बॉल हो चाहे वो हैवी बॉल हो। साजिद लाला हल्का बॉल भी उतना ही अच्छा खेलता था और हैवी बॉल भी उतना ही अच्छा खेलता था। और साजिद लाला कैसा था, पठान था, कुर्ते में भी आ जाता था चप्पल में भी आ जाता था, लेकिन बैटिंग इतनी खतरनाक करता था ना वो, बहुत डेंजर, मतलब एक्सप्लोसिव बैटिंग जिसको बोलते ना, वैसी बैटिंग करता था। और मैंने देखा हूँ सबसे डेंजर बॉलर उस टाइम का नाजिम गुल्ली था, उसको हमेशा फर्स्ट बॉल पे अगर कोई बंदा सिक्स मारता था ना तो वो साजिद लाला ही मारता था। जबकि ऑफ ब्रेक नाजिम गुल्ली का बहुत बड़ा ऑफ ब्रेक था, लेकिन मैंने बोला ना साजिद लाला लपेटा भी बहुत अच्छा था। तो उस दौर में साजिद लाला बहुत एक्सप्लोसिव प्लेयर था, बहुत अच्छा प्लेयर था। और आज जब 40+ में देखो, एक्चुअली एज एक नंबर है, बात सही है, लेकिन एज के साथ साथ आदमी की फिटनेस है, उसकी आईसेट है, उसका फॉर्म है, वो धीरे धीरे कम होता ही जाता है। बिल्कुल लेकिन इतने उम्र तक क्रिकेट के साथ जुड़े रहना, इतने उम्र तक खेलना, ये बहुत बड़ी बात है। साजिद आज भी क्रिकेट खेल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल जैसा वो पहले था वैसा तो आज नहीं है, लेकिन जो भी उसने किया है, शायद ही ऐसा लेफ्टी बैट्समैन कोई होगा मेरे नजर में जिसने इतना किया है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं होंडो की, हर्षद होंडो की, इनके बारे में आप क्या कहेंगे हर्षद होंडो के बारे में? अर्शद होंडो तो मेरी जान है, जितनी दोस्ती मेरी उससे है, जितनी हंसी मजाक जितनी मेरी उससे है, उतनी मेरी किसी से भी नहीं है। एक्चुअली कैसा है मालूम है क्या, बॉम्बे में तीन हार्ड हिटर्स ऐसे थे जो कितना भी लंबा सिक्स रन दो, कोई भी बॉल रन दो, बिल्कुल सबसे डेंजर ये तीन बैट्समैन थे। एक जावेद था, एक पापे हाँ था, एक पापे था पापे पापे बिल्कुल और एक होंडो था। ये तीन बंदे ऐसे हैं जिनका बैट फ्लो, बैट स्विंग और जिनके पास इतनी ताकत थी कि कोई भी कितना भी बड़ा सिक्स रन दो, ये उस ग्राउंड पे भी सिक्स नहीं अट्ठा ही मारते थे। और जितनी फैन फॉलोइंग मैंने होंडो की देखा हूं, आज कृष्णा की कितनी फैन फॉलोइंग है ना, हाँ उस टाइम पे जब जबकि यूट्यूब भी नहीं था, बिल्कुल उस टाइम पे यूट्यूब भी नहीं था, उस टाइम पे वो बंदे की उतनी फैन फॉलोइंग थी। तो अगर उस टाइम पे यूट्यूब होता तो उस बंदा की फैन फॉलोइंग कितनी होती है, ये आप खुद अंदाजा लगाओ। क्योंकि बिल्कुल वो दिखने में भी एकदम अफरीदी था, खेलने में भी अफरीदी ही था, और बिल्कुल वो खुद अफरीदी का फैन है, खुद अफरीदी के फैन है। अफरीदी का फैन है। एक आप जब इतने क्लोज हो आप दोनों एक दूसरे के, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि हर्षद उनका नाम है, ये होंडो उनके पीछे कैसे ज्वाइंट हुआ? जैसे अक्कू, अक्तर शेख, अक्कू लगा पैट नेम, चलिए समझ में आता है कि नाम से जुड़कर ये अक्कू हुआ है, लेकिन उनका पैट नेम होंडो, ये कैसे उनके साथ में ज्वाइंट हुआ होंडो के नाम से? एक्चुअली आपको पता होगा जिम्बाब्वे की एक टीम में खेलता था डगलस होंडो, हाँ जिम्बाब्वे की, उसके जिम्बाब्वे बाल जो थे वो बड़े बड़े थे और उसके बाल जो थे घुंघराले बाल थे, कर्ली हेयर। कर लिया है। होंडो ने भी ना उस वक्त बड़े बड़े बाल रखा था और कर्ली हेयर रखा था, उस अच्छा टाइम पे से होंडो का नाम होंडो पड़ा है, वो बिल्कुल बालों की वजह से खास। ये चीज बहुत बढ़िया आपने बताई है, नहीं तो लोगों का ऐसा मानना था कि हर्षद होंडो को सबसे ज्यादा होंडा वो टाइम पे बाइक चलती थी, मैन ऑफ द सीरीज नहीं वगैरह, नहीं तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसके ये बालों उनका की वजह नाम से उसका नाम होंडो होंडो था। पड़ा। बिल्कुल ये आपने जो बात बताई है ये बहुत कम जनों को पता होगी कि हर्षद हाँ होंडो बहुत का कम लोगों को नाम मालूम है ये बात, ये चीज, और मुझे भी आपने एक्चुअली भी पता नहीं थी, मुझे भी होंडो नहीं पता था ये चीज कि वो अच्छा एक प्लेयर था होंडो करके, उसके वजह से मैंने ऐसे बाल रखा था, जब से मेरा नाम होंडो पड़ा है। बिल्कुल। अब प्रोफेशनल क्रिकेट की बात चल रही है तो इस सीजन में आपने तो नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है, दुबई की टूर भी की है और विदेश में जाके आपने बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेट हमें दिखाया है खेलकर। तो मैं जानना चाहूंगा जब आप फॉरेन कंट्री के अंदर परफॉर्मेंस करने जाते हैं अक्षर शेखर, तो जितना प्यार आपको महाराष्ट्र में मिलता है उतना ही प्यार आपको वहां मिलता है? देखो प्यार तो हर जगह उतना ही मिला है मुझे, कहीं कहीं ऐसा होता है कि ज्यादा पब्लिक होने की वजह से ज्यादा प्यार अपने को दिखता है। फॉरेन में कैसा होता है, क्राउड कम होता है, क्राउड कम होता है। जितना अपना महाराष्ट्र, जितना अपना इंडिया में क्राउड है ना क्रिकेट का, उतना क्राउड मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है।
फॉरेन में भी क्राउड कम है लेकिन पब्लिक का प्यार उतना ही है, थोड़ी पब्लिक है लेकिन प्यार करने वाली उतनी ही पब्लिक है। बस ये है कि सपोर्टर्स लोग कम ज्यादा होने की वजह से फैन फॉलोइंग में बस उतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। मैंने अमरुद से भी ये क्वेश्चन किया था कि हमारे महाराष्ट्र के क्रिकेट में और वहां के क्रिकेट में क्या कुछ समानताएं हैं या फिर कुछ वहां पर फर्क है क्रिकेट को लेकर? बाहर के क्रिकेट में एक्चुअली कैसा है मालूम क्या, वहां पे विकेट्स जो होती है ना वो बहुत फास्ट विकेट होती है, जैसा अपनी लादी की कैसे विकेट होती है, सिमेंट फटा की विकेट कितनी फेस विकेट होती है, वहां पे मट्टी की विकेट ही होती है लेकिन उस विकेट पे ग्रास भी होता है और उस वो विकेट जो होती है ना वो बहुत हार्ड होती है, वो विकेट की मट्टी जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, जिसके वजह से ना बॉलर का पेस ना 1.5 गुना ज्यादा पेस हो जाता है। जैसा अगर कोई बॉलर डालता है 120 की स्पीड में ना, वहां पे 140 145 की स्पीड से बॉल निकलता है, और फिर उसके बाद में जब नाइट मैचेस होती है तो वहां शबनम गिरने की वजह से वो पेस 150 भी पहुंच जाती है। तो वहां पे एक्चुअली वो ग्राउंड है ना, वो जो सिचुएशन जो माहौल क्रिएट होता है ना वो बॉलर का ही क्रिकेट है, वहां पे बैटिंग करना बहुत डिफिकल्ट काम है बिल्कुल क्योंकि यहाँ का जो विकेट होता है ये दोनों के लिए बराबर है, बैटिंग के लिए भी बराबर है बॉलिंग के लिए भी बराबर है, 50-50 है, बिल्कुल लेकिन वहां पे ना 75% जो क्रिकेट है वो बॉलिंग का क्रिकेट है, ये बॉलर फर्क है का। बस दोनों जगह बॉलर यस सर, इस सीजन की अगर मैं बात करूं तो आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपने किया था दुबई में जाकर। मैं जानना चाहूंगा अख्तर शेख के अगेंस्ट कोई पाकिस्तानी बॉलर, मैंने सुना है कि पाकिस्तानी ये डेंजर बॉलर होते हैं, उनका पेस बहुत ज्यादा होता है, तो आमना सामना हुआ पाकिस्तानी बॉलर के अगेंस्ट में अख्तर शेख का? जी। बहुत सारे बॉलर्स के सामने हो, क्योंकि मैंने एक्चुअली लगभग 4 से 5 साल से मैं दुबई जा रहा हूँ, तो बहुत से ऐसे बॉलर्स हैं जैसे सिराज करके पाकिस्तान का बहुत अच्छा बॉलर है जिसने इस साल PSL भी खेला है, जहूर करके एक बॉलर है दुबई का उसने भी PSL खेला है, वो भी पाकिस्तान का ही एक्चुअली, और शहबाज कालिया और जहीर कालिया वो भी बहुत करनल अच्छा बॉलर है, तो पाकिस्तान के, और अभी एक कर्नल जाहिद करके है, जाहिद, उसकी आपने टेप बॉल में मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने उसकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी है, वो 150 के ऊपर ही डालता है तो के टेप ऊपर ही बॉल, डालते। यस तो सच में पाकिस्तान का जो अटैक है ना वो बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला अटैक है, उनके बिल्कुल सामने खेलना बोले तो बहुत बड़ी बात है, और वो विकेट्स पे वो लोग ज्यादा घातक हो जाते हैं, इंडियन और विकेट पे उन लोगों को खेलना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन वो विकेट्स पे खेलना, और कैसे मालूम है क्या, वो साल में एक ही बार मिलते अपने लोगों को तो ज्यादा खेले हुए होते नहीं है, तो हाँ उन लोगों के सामने खेलना और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। सच में पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत ज्यादा बहुत 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 डिफिकल्ट होते हैं खेलने के लिए। नहीं, लोगों का ऐसा भी मानना रहता है, लोगों की ऐसी सोच रहती है, लेकिन सोच पर हम लगाम नहीं लगा सकते कि वो टैप बॉल से अपने देश में खेलते हैं, हम टेनिस बॉल से खेलते हैं और दुबई में जाकर टेनिस बॉल से होता है, तो उसका एडवांटेज है हमारे इंडियन बैट्समैन को मिलता है, कुछ ऐसी बातें सुनने में आती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो कैसा एक बात बताऊं क्या, इंडियन बैट्समैन ना पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप ले जाओ इंडियन बैट्समैन सबसे आगे ही है, पाकिस्तान बॉलर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ पाकिस्तान बॉलर सबसे आगे, टेप बिल्कुल बॉल और ये जो टेनिस का जो बॉल है उसमें फर्क बस ये है, टेप बॉल का बॉल जो होता है वो बहुत पेस में आता है लेकिन वो एक ही लाइन पे आता है, टेनिस बॉल जो होता है उसको आप कट भी कर सकते हो, उसको जितना हो सके उतना स्पिन भी करा सकते हो, लेकिन टेप बॉल एक ही नॉर्मल पेस पे आता है, एक बार अगर आप टेप बॉल को आइसेट हो जाएगी आपका बैट फ्लो आ जाएगा ना, तो टेप बॉल खेलना मेरे ख्याल से टेनिस बॉल से बहुत आसान क्रिकेट है, बहुत आसान टेप क्रिकेट बॉल का है। क्रिकेट एक्चुअली टेनिस क्रिकेट से ज्यादा आसान है, टेनिस क्रिकेट में आपको ताकत भी लगाना पड़ती है, आपके पास स्किल होना चाहिए आपको स्पिन बॉल खेलने के लिए, टेप बॉल क्रिकेट में ऐसा नहीं है, आपने एक बार पेस को रीड कर लिया बैट फ्लो आ गया बस पंच वाला क्रिकेट है वो, बिल्कुल तो बस यही फर्क है, वो लोग उनके टेप बॉल में और ज्यादा माहिर है क्योंकि वो लोग कंटिन्यू वही खेलते हैं बिल्कुल अपुन, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन वो क्रिकेट नहीं खेल सकते, अगर 15 दिन अगर ने अपन ने वो टेप बॉल की प्रैक्टिस कर ली ना तो अपन उन लोगों को भी दौड़ा लेंगे, क्योंकि बिल्कुल इंडिया का बिल्कुल क्रिकेट इतना आगे सच में टेनिस में। इंडिया इंडिया के अंदर मैं तो अक्सर ही कहता हूँ कमेंट्री के माध्यम से भी कि हम दूसरा धर्म एक तरीके से क्रिकेट को ही मानते हैं, क्योंकि हर कोई हमारे महाराष्ट्र में अगर बच्चा पैदा होता तो ज्यादातर माँ बाप उसे खिलौने नहीं बैट और बॉल ही ला के देते कि मेरा बेटा आगे चलकर प्लेयर ही बनेगा, ये रहती है जी उम्मीद। जी सही बात सही बात है। उसी उसी तरीके से एक ऐसी यादगार पारी जो आउट ऑफ यानी बिल्कुल इंडिया के बाहर जाकर, हमारे देश के बाहर जाकर अख्तर शेख ने खेली हो, कोई एक यादगार पारी अगर हमारे साथ में साझा करे अख्तर शेख, तो बहुत बढ़िया बात हो। जी हम कतर में गए थे खेलने के लिए, वो हमारा सेकंड सीजन था, फर्स्ट टाइम हम जा चुके थे दुबई, हम वहां सेमीफाइनल हार गए थे, सेकंड सीजन हम कतर गए थे खेलने के लिए, तो हमारा वहां पर मैच लग गया था SKC गोवा के सामने,
जिसमें लगभग ओमकार देसाई, ऋषि वैद्य, ये सब लोग एसकेसी गोवा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और यस मैं और सुमित हम लोग कतर की एक टीम थी जो पूरी मिक्स करके हम लोग टीम बना के एक गए थे, हम लोग वो टीम से खेल रहे थे। तो उस टाइम पे हम लोगों का सामना उन लोगों के सामने हुआ, और थोड़ी सी एक्चुअली थोड़ी बातावात हो गई थी उसके पहले कि हम लोग ये टीम को धो डालेंगे, हम लोगों को लोगों ने बोले थे कि तुम लोगों 6 ओवर में 100 रन मारेंगे हम लोग। तो सुमित ना कि मुझे बोला कि आपको ऐसी ऐसी बात है, मैं ठीक है, वो तो क्रिकेट है, उन लोगों का दिन रहेगा वो लोग मारेंगे, अपना दिन रहेगा अपन मारेंगे, अपन अपने बैट से खेलेंगे। तो वो मैच में ऐसा हुआ था, सुमित ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया और जाके मैंने फिनिश किया। जब मैंने उस टाइम पे 4 बॉल में 4 6, फर्स्ट टाइम पे कतर में अगर किसी ने मारा था 4 बॉल में 4 6, मैंने मारा था, और वो भी मैंने 6 इतने दूर दूर मारा था ना कि किसी ने भी वो एक हाथ तो बॉल ही घूम गया था, क्योंकि वो स्टैंड के भी आसपास आर पार ही चले गया था। क्या और बात मैंने उस टाइम पे 4 बॉल 4 6 मारा था, और हम लोगों ने उन लोगों को 4 ओवर में 6 ओवर में 99 मार दिया। ओहो उन लोगों ने 100 नहीं मारा था, हम लोगों ने उन लोगों को चार छह ओवर में यानी 99 मार दिया। तो ये उनका, क्रिकेट है, ये मुंह से नहीं होता है, यस सर, उनका वो कॉन्फिडेंस, मेरी बहुत यादगार कार्य है। यस सर, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो पूरी तरीके से धनाशायी कर दिया आपने। आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आप जीतता मैच हार गए, ऐसा लग गया कि भाई पूरी मैच निकल गई? यानी फॉर एग्जांपल अगर ऐसा मैं दूं कि हाथी निकल गया, खाली धुम बची हुई है, लेकिन वो धुम ही अटक गई और मैच हाथ से निकल गया, कभी ऐसा सिचुएशन हुआ है आपके साथ में? ऐसा बहुत बार हुआ है क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट बोलते ना पूरा टीम गेम होता है, एक आदमी के ऊपर क्रिकेट नहीं होता है। ऐसा मेरे साथ राजकोट में बहुत बार हुआ है, मैंने वन मैन शो वहां पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स में बैटिंग की है, लेकिन मुझे वहां पे सपोर्ट मिलता नहीं था। तो हमारी टीम बहुत बार जीतती भी, मैच भी हार चुकी है। अच्छा कई बार ऐसा भी हुआ हमारे से लोकल क्रिकेट में, राबड़ी में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं अकेला वन मैन शो करता था लेकिन मेरे पीछे बैट्समैन लोग बैटिंग नहीं कर पाते थे। तो ऐसी बहुत अच्छा सारी मैच जीता हुआ हम लोग हार चुके हैं, ऐसे बहुत सारी मैच हुई है। लेकिन ये है कि बोलते ना वो हार के जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं, बहुत सारी ऐसी हारी भी मैचेस भी हम लोगों ने जीता है। अच्छा तो बैलेंस है क्रिकेट, ऐसा ही हार जीत का नाम क्रिकेट है, एक को जीतना है एक को हारना ही है। राजकोट की बात निकली है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका वहां पर एक रिकॉर्ड है कि आपने 14 सिक्स जड़े थे, उसके बारे में अगर हमसे कुछ साझा करें तो बहुत बेहतर होगा। वो ऐसा हो गया था, हम लोगों का सेमीफाइनल मैच चल रहा था वहां की सबसे अच्छी टीम के सामने, तो उन लोगों ने हम लोगों को 12 ओवर में 148 रन मारे। उस टाइम पे मेरे साथ हॉन्डो भी गया हुआ था, मैं और अच्छा हॉन्डो अक्सर करके गुजरात जाया करते थे लास्ट में, जैसे अप्रैल मई के महीने में। तो सेमीफाइनल मैच चल रहा था, और वो टूर्नामेंट की ऐसी टीम थी जो फाइनल की हकदार थी, हम लोगों से भी अच्छी टीम थी। हम लोग सिर्फ 2 ही प्लेयर गए थे खेलने के लिए वहां पे, और वो जो टीम थी उसमें अहमदाबाद के, भरूच के और सौराष्ट्र के, कच्छ के, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे। उन लोगों ने हम लोगों ने 148 रन मारे 6 8 12 ओवर में। तो हम लोगों का ऐसा, मेरा बैटिंग का जो सिचुएशन था, मैं 6 ओवर के बाद ही अक्सर करके बैटिंग पे जाया करता था मैच फिनिश करने के लिए। तो हम लोग स्टार्टिंग में 6 ओवर में 5 ओवर में 28 रन पे हमारे ना 6 विकेट हो गए थे, और हॉन्डो भी आउट होके आया ही था। अब मैंने बोला यार अभी लगभग अपने को 7 ओवर में 100 रन से भी ज्यादा, मतलब 108 110 रन कुछ चाहिए था, या 120 रन ऐसा कुछ चाहिए था। तो मैंने बोला आप करूं क्या, तो मैंने सोचा जान दे 1 2 ओवर पहले जाके ना स्टार्टिंग में सिंगल डबल खेलता हूँ। तो मैंने वैसे ही किया, क्योंकि अगर मैं सिंगल डबल नहीं खेलता और मैं सेट ने होने से पहले अगर मारने जाता, मैं आउट हो जाता, तो हम लोग वन साइड ऑल आउट हो जाते, तो मजा भी नहीं आता। तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सेट हुआ, विकेट का नॉलेज लिया, कंडीशंस जो है वो थोड़ा अपनाया कि क्या कैसे चल रहा है माहौल। तो पब्लिक को वहां की क्या लगा, बहुत पब्लिक आई थी मैच देखने के लिए, और सब लोग खास करके मेरी ही बैटिंग देखने आए थे, क्योंकि मेरा राजकोट में बहुत ज्यादा नाम है। तो बिल्कुल सब लोग आए थे कि अख्तर की मैच ये देखने चलते हैं। तो मैंने जब सिंगल डबल खेलना चालू किया ना 2 ओवर तक, तो सब पब्लिक को क्या लगा, अख्तर ने होप तोड़ दिया है। अच्छा, अब ये अख्तर ने भी होप तोड़ दिया, अब मैच देख के कुछ मतलब नहीं है, अब चलते अपने बिल्कुल अपने घर पे। तो पब्लिक बस जाने के लिए चली रही थी, रास्ते भी थी। वो 3rd ओवर में मैंने 1 6 मारा, तो पब्लिक जाते थे ना थोड़ी सी रुक गई। फिर अच्छा, यानी वो मैंने सिचुएशन, मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये महेंद्र सिंह धोनी की जो पिक्चर आई थी कि धोनी मार रहा है तो दर्शक वापिस से लौट के आते, वैसी सिचुएशन हाँ, आपके साथ हो चुका लगता है? तो पब्लिक बस रास्ते में ही थी, मैंने उस 3rd ओवर में 1 6 मारा, पब्लिक हल्का सा रुक गई। फिर मैंने कंटिन्यू दूसरा 6 मारा, पब्लिक और थोड़ा रुकी। फिर तीसरा 6 मारा, पब्लिक बैठ ही गई, पब्लिक समझ गई कि अभी अख्तर का शो शुरू हो गया। और हाँ वो मैच में मेरे ख्याल से वन ऑफ द मेरी बेस्ट इनिंग है, मैंने वो मैच में 14 6 मारा था, और हम लोग लास्ट ओवर में 18 रन चाहिए था, मैंने 2 6 मार के लास्ट में मैं आउट हो गया था। तो हम लोग छह अच्छा रन से वो मैच हार गए थे। वो भी एक्चुअली हम लोग वो मैच जीत सकते थे, लेकिन मैंने बोला ना मेरे साथ सपोर्ट करने वाला उस टाइम पे कोई था नहीं, क्योंकि 6 विकेट ऑलरेडी जा चुके थे मेरे यस पास, मेरे बाद जितने भी प्लेयर्स थे वो सब बॉलर्स थे। तो मैं हर ओवर अपने ही दम पे खेलता था, मतलब हर ओवर में 2 से 3 6 मारता था, और जो सिंगल्स रहने के रहते थे वो मैं लेता नहीं था।
ठीक है, लास्ट बॉल में सिंगल करके बस नेक्स्ट ओवर में वापस स्ट्राइक लेता था, तो वो छह सात रन मेरे माइनस हो गए और वही छह सात रन की वजह से हम लोग मैच हारे। वो बहुत अफसोस था, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी। लेकिन वो मैच के बाद जो पब्लिक ने मुझे कंधे पे उठाई है ना, वो सबसे बेस्ट मोमेंट था, वो सबसे बेस्ट मोमेंट, यादगार लम्हा रहेगा वो। राजकोट में आपने बहुत क्रिकेट खेला और आपने काफी नाम ऑल ओवर इंडिया में कमाया है, थाने के आप रहवासी, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आपको स्टार ऑफ थाने का खिताब भी मिला है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि थाना में काफी बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, उसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछूं, टूर्नामेंट के बारे में बाद में पूछूंगा, लेकिन सबसे पहली चीज ये पूछूंगा कि आपको सबसे ज्यादा मजा कौन से ग्राउंड पे आता है परफॉर्मेंस करने के लिए, कि जहां पर आपके फेवर में दर्शक भी रहते हैं, वहां के लोग आपका क्रिकेट देखना चाहते हैं, कौन सा ऐसा ग्राउंड है जहां पर आपको सबसे ज्यादा मजा आता है परफॉर्मेंस करने? सबसे ज्यादा मजा अगर मुझे कोई ग्राउंड पे खेलने आता ना, तो वो मित्तल ग्राउंड है, बुमराह का ग्राउंड, क्योंकि वहां की जो फैन फॉलोइंग है मेरे लिए क्रिकेट की, वो सबसे ज्यादा होती है। और अगर उसी के लेवल में अगर मैं बोलू ना, तो हमारा नजीब मुल्ला टूर्नामेंट होता था जो सेंट्रल मैदान पे होता था, बिल्कुल वो भी हमारा ही ग्राउंड है। हाँ। उस टूर्नामेंट और वो टूर्नामेंट जो मुमरा में होते हैं, वो टूर्नामेंट का एक लेवल ऐसा है ना कि वहां पे सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग और सबसे ज्यादा मजा आता है क्रिकेट खेलने में। और अगर तीसरा कहीं आता है तो वो रंजीत के ग्राउंड पे आता है खेलने में मजा, बिल्कुल। लेकिन ये मुमरा और ये सेंट्रल ग्राउंड ऐसा ग्राउंड है ना, वहां पब्लिक का सपोर्ट और पब्लिक का क्राउड बहुत ज्यादा होता है। वड़ोली में उतना क्राउड होता नहीं क्योंकि वो ग्राउंड थोड़ा अंदर है, लेकिन सेंट्रल मैदान और मित्तल ग्राउंड वो एकदम रोड पे ही है ग्राउंड, और वहां की पब्लिक को भी बहुत ज्यादा क्रेज है, इसके वजह से वहां ज्यादा खेलने मजा आता है। बिल्कुल, इस सीजन में आपकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, प्रोफेशनल क्रिकेट हो या फिर लोकल क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट। तो अब मैं आपको लोकल क्रिकेट की तरफ बाद में आकर्षित करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके प्रोफेशनल करियर के बारे में ढेर सारी बातें हमें जाननी है। जिस तरीके से आपने 14 सिक्स किया एक पारी हमें बताई, लेकिन आप मैच हार गए, लेकिन दर्शकों के दिल में आपकी जो जगह थी वो बरकरार रही। उसी तरीके से अगर इस दौर की अगर मैं बात करूं, आपने पुराने दौर में बताया कि जावेद नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन थे, इस दौर की अगर बात करूं तो अक्कू को कौन सा सबसे अच्छा प्लेयर लगता है, जो अक्कू कहता है कि यार वाकई में ये प्लेयर है? देखो, अगर सर्कल की मैं बैटिंग करूं बताऊं ना, सर्कल में अगर मुझे सबसे अच्छा कोई प्लेयर लगता है ना, तो वो शाहिद शेख है, क्योंकि सर्कल की शाहिद जो बैटिंग करता है ना, वो बोलते ना पानी पे चलने के बराबर है, इतने फ्लुएंट बैटिंग करता है वो सर्कल में। सब बाकी जितने भी बैट्समैन है वो सर्कल में हार्ड हिटिंग बैटिंग करते हैं, कृष्णा हो गया, उस्मान भी एक अच्छी बैटिंग कर लेता सर्कल में, जैसे पॉइंट कवर खेलता है बहुत अच्छे स्ट्रोक, लेकिन जो शाहिद जो बैटिंग करता है ना, जो पानी पे चलने के बराबर है, सबसे अच्छी सर्कल में बैटिंग मुझे शाहिद की लगती है। और फिनिशर के रूप में तो मैं तो ऐसा बोलूं कि ऐसे बहुत से प्लेयर्स है, जैसे माटिया हो गया जो फिनिश अच्छा कर लेता मैच को, ऐसे बहुत से ऐसे प्लेयर्स है, किशन हो गया, किशन भी अच्छी मैचेस को फिनिश करता है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में बोलूं ना तो शाहिद जैसा कोई नहीं है। यानी बैटिंग आपके हिसाब से सर्कल में पावर 38 सर्कल का जो क्रिकेट होता है, पावर प्ले के जो दो ओवर होते हैं शाहिद, शाहिद के बारे में अब बात निकली है तो मैं जानना चाहूंगा कि शाहिद की और आपकी दोस्ती जो बरकरार रहती है और एक दूसरे के आप जो इतना क्लोज हो, उसके बारे में हमें और हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। देखो, शाहिद को मैं पहले से जानता था, क्योंकि मैं ना कल्याण की एक मॉडर्न करके टीम है, कल्याण की, उनकी टीम की तरफ से मैं कांगाली खेला करता था, कांगाली जो बारिश में जो टूर्नामेंट होता है। तो जब मैं कल्याण में एक बार खेलने के लिए, टेनिस के लिए मैं को बुलाया, तो उस टाइम पे ना वो लोगों ने शाहिद को बुलाया था, क्योंकि शाहिद भी कल्याण शहर साइड ही रहता है। बिल्कुल, उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम पे शाहिद को देखा था, तो शाहिद कवर्स में, पॉइंट पे, रिवर्स बोलो, सामने बोलो, बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था। तो मैंने फर्स्ट टाइम पे शाहिद को उस टाइम पे नोटिस किया था। और जब सेकंड टाइम हमको शाहिद मिला, वो एसपी की टीम से खेलने के लिए किधर रत्नागिरी साइड आया खेलने के लिए, अच्छा, तो मुझे फर्स्ट टाइम वो प्रोफेशनल टीम में वहां दिखा। तो मैंने फिर शाहिद को पूछा क्या हमारी टीम की तरफ से तू खेलेगा क्या, तो शाहिद ने बोला ठीक है भाई, तुम बोलते हैं तो मैं खेलूंगा। वहां से मेरा शाहिद का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हुआ, और मेरे छोटे भाई के जैसा ही, हमेशा मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया। एक दो साल ऐसा शाहिद का बीच में आया भी था जहां वो बहुत आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन मैं हमेशा उसके लिए लड़ता था, और मैं टीम में हमेशा ये बोलता था शाहिद बैटिंग करेगा तो वो ओपनिंग ही करेगा, भले ही शाहिद 100-0 भी अगर करेगा ना, तो शाहिद ओपनिंग ही करेगा। बहुत बार मेरी टीम में ऐसे बहस भी हुई कि नहीं नहीं शाहिद को ओपनिंग नहीं जाने, लेकिन मैंने बोला अगर बैटिंग शाहिद कहीं कर सकता है तो वो ओपनिंग ही करेगा, वो आज नहीं तो कल फॉर्म में आएगा, क्योंकि हम लोग के पास पीछे के जो बैट्समैन थे ना हमारी टीम में, बिल्कुल वो बहुत कड़क थे, तो मैं था, जया था और भावेश था, हम लोग के पास पीछे का लाइनअप बहुत डेंजर था, होंडो था, तो हम लोग को पीछे की जरूरत नहीं थी, हम लोग को सुमित के साथ ना ओपनिंग में शाहिद ही मांगता था, तो
तो मैंने हमेशा उसको सपोर्ट वहां पे किया हूँ कि नहीं शाहिद जाएगा। और वो सच में हर एक बैट्समैन का एक दौर आता है खराब, उसका वो दौर खराब आया, उसके बाद में वो ऊपर आया, उसके बाद उभर के भी आया, और वहां से जो अभी तक वो कंटिन्यू कर रहा है ना, सच में वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, बिल्कुल उससे भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आपने आपकी टीम विनर स्पोर्ट्स कितने साल तक के गाइडन किया टीम को, और कितने साल तक लग के आप उस टीम के साथ एक कप्तान के रूप में रहे या फिर एज अ प्लेयर के रूप में जुड़े रहे? देखो कप्तान तो हमारी टीम में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा शाहिद टॉस उड़ाने को जाता है, लेकिन लीड जो हम लोग करते थे ना, मैं, सुमित और शाहिद, ये हम लोग तीनों ही जन मिलके लीड करते थे टीम को। तो लगभग हम लोगों ने 7 से 8 साल तक टीम को लीड किए, और आप खुद भी जानते हो कि हम लोग किस तरीके का लीड करते थे, हम लोगों ने विनर्स को कहाँ कहाँ, किधर किधर, कैसे कैसे जगह पे फाइनल जीता है। तो हम लोग तीनों का जो कॉम्बिनेशन था, और हम लोग का जो पीछे से प्लेयर्स लोगों का सपोर्ट, जो हमारा मैनेजर बंटी था और जो मनिया था, जो साजिद था, जो बाहर से इन लोगों का जो सपोर्ट्स मिलता था ना, वो एक टीम को बूस्ट देता था। क्योंकि जो 11 खेलते हैं ना, उनके साथ ही साथ जो बाहर वालों का जो सपोर्ट होता है ना, वो भी टीम के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत काउंट करता है। तो हम लोगों ने ये तीन जन के हम लोग का एफर्ट रहता था ग्राउंड के अंदर, बाहर से अगर, क्योंकि क्रिकेट बाहर से कुछ ज्यादा समझ में आता है, अगर कुछ कमी पेशी हो जाती थी ना, तो बाहर से वो लोग हम लोगों को ना अंदर से फॉलो करते थे कि ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो हम लोगों ने, आप खुद भी जानते थे कितने टूर्नामेंट फाइनल जीते, बहुत थे इंतहा। मैं मैचलेस के बाद अगर कोई टीम बनी है ना, तो विनर्स ही बनी है, विनर्स ही बनी है, और विनर्स के फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा थी। और जिस तरीके से आपके बैट्समैन, जो अगर मैं तो यही कहूंगा कि बहुबली नहीं चला तो पीछे जयेश है, जयेश नहीं तो भावेश, भावेश ने तो अक्सर ऐसे लाइनअप जो आपकी थी, हॉलो है, विजय लंगड़ा था, विजय भाई थे, और जावेद था, बहुत ऐसे ऐसे प्लेयर्स, बहुत है, बहुत सारे प्लेयर्स थे। अगर मैं बाहुबली के बारे में बात करूं, तो बाहुबली आपके साथ में जब जुड़े थे टीम के साथ, तो वो क्षण कैसा था और किस तरीके से बाहुबली की एंट्री विनर स्पोर्ट्स में हुई थी? देखो बाहुबली तो बहुत लेट आया, मैं तो पहले से ही खेलता था क्रिकेट। ये लोग एक्चुअली पहले नाला सुपारा की कोई लोकल टीम से खेलते थे, पता नहीं वो टीम का नाम क्या है, लेकिन जब हमारी मैचलेस टीम टूटी ना, हमारे 5-6 प्लेयर्स जो थे वो विनर्स के साथ ज्वाइंट होके एक टूर्नामेंट खेले, और हम लोग ने वो टूर्नामेंट फाइनल जीता। उसके बाद में हम लोग ने ऐसा डिसाइड किए करके, हमारे पास भी 5-6 प्लेयर्स है, तुम्हारे पास भी 5-6 प्लेयर्स है, तो एक टीम ही फॉर्म कर लेते ना, अच्छी टीम बन जाएगी। उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम पे सुमित को भी देखा था, नया नया था और बॉडी बिल्डर तो था ही वो पहले से, और वो ओपनिंग भी करता था, अच्छा बैटिंग करता था, सीधे सीधे बॉल को ना बहुत अच्छा मारता था। वहां से मेरी और सुमित की फिर एक दोस्ती भी बनी, और वहां से टीम विनर्स हम लोगों की जो बनी ना, एक्चुअल टीम वहां से बनी। फिर वहां से हम लोगों ने जो पिकअप पकड़े, तो फिर रुके ही नहीं हम लोग कभी पीछे पलट कर, क्योंकि हम लोग के पास ना हर तरीके के प्लेयर्स थे, सर्कल के प्लेयर्स थे, बीच के प्लेयर्स थे, नीचे के प्लेयर्स थे, और हमारा अटैक भी बहुत डेंजर था, तो हम लोग हाथ पकड़ने वाला कोई था ही नहीं उसमें, उस वक्त हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। जयेश के बारे में बताइए, दर्शक जयेश के बारे में भी जानना चाहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जयेश भाई उनके बारे में। जया का कैसा मालूम है क्या, जया मैच को लेके चलने वाला प्लेयर है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास ओपनिंग का भी प्लेयर्स था, हमारे पास बीच के भी प्लेयर्स थे, बीच की हमारी जो रीढ़ की हड्डी थी ना, वो जया था। अच्छा। जया ना रुखाने वाला क्रिकेट भी खेलता था, और वो रनिंग बहुत अच्छी करता था, ठीक है, और टाइम पे वो सिक्स भी मार देता था। तो जया हमारी रीढ़ की हड्डी थी, टाइम पे रिवर्स भी मार, रिवर्स तो बहुत अच्छा खेलता मेरे ख्याल से वो, उसके आड़े से अच्छा रिवर्स बहुत अच्छा। तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो थी ना, वो बीच में जया थी, और हम लोग नीचे जाके फिनिश करते थे मैच को। तो हमारे पास वो सब कुछ था जो एक टीम के पास होना चाहिए। बिल्कुल, आने वाले वक्त में फिर से एक बार आपकी टीम की बाउंडिंग देखकर, बाउंडिंग देखने मिलेगी, यानी फिर से वही विनर्स कॉम्बिनेशन में देखने मिलेगी? देखिए अभी इस बारे में सोचा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ देखेंगे इंशाल्लाह, फिर कभी मौका मिला तो साथ वापस खेलेंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ सोचा नहीं हूँ। बिल्कुल, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लिए चलता हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर विनर्स, वो उस वक्त में जब अब तक एक विनर्स में थे, आपके अगेंस्ट कौन सी ऐसी टीम थी जब भी आती थी आपको जीत के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते थे, कौन सी ऐसी टीम? एक डिंगडोंग ऐसी टीम थी जो हमारा मैच उन लोगों का हमेशा 50-50 हुआ करता था। बाकी एसपी उमर उस टाइम पे ना इतने फॉर्म, मतलब वो जो पिकअप लेवल पे थे ना, वो पिकअप लेवल पे नहीं थे एसपी उमर, बाकी तो और कोई टीम गिनती में थी नहीं, एक डिंगडोंग ही ऐसी थी, क्योंकि डिंगडोंग का स्क्वाड भी बहुत अच्छा स्क्वाड था, क्योंकि आप भी जानते हो पूरा कोकन का पट्टा, पूना से लेके तो पूरा कोकन का पट्टा डिंगडोंग का ही है,
वो हर जगह से एक एक प्लेयर उठाते। बॉम्बे में चार पांच टीम है, 8 टीम है, जिसमें से प्लेयर्स डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन डिंगडोंग के पास एक ही ऐसा स्क्वाड है जो पूरे बोलते ना 11 नहीं 100 गांव का प्लेयर है ना, वो 11 बन के आते थे। तो हाँ वही एक जो टीम थी जो उस टाइम पे हमारे को टफ करती थी, कभी वो लोग जीतते थे कभी हम लोग जीतते थे। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग ने उन लोगों को बहुत बार हराया बहुत, लेकिन मजा आता था उन लोगों के सामने, पब्लिक को भी देखने बहुत मजा आता था। कभी ऐसा हुआ है अक्सर आपके साथ में कि आपने ठसन में किसी के साथ में मैच खेला है ऑपोजिट टीम के, कि भाई आप तो इसको हराना ही है किसी भी तरीके से? ठसन वाला क्रिकेट होता है ना, जिस तरीके से कुछ बातें हो जाती है, अनबन हो जाती है और फिर ग्राउंड के अंदर गर्मी का माहौल हो जाता है, तो वैसा कभी अक्तर के करियर के अंदर ऐसा कोई दिन आया कि जिस दिन अक्तर के साथ में ये चीजें हुई और अक्तर ने उसका रिप्लाई किस प्रकार से दिया, ये चीज दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। ऐसा तो बहुत बार हुआ है क्रिकेट में ठस्सन, लेकिन हाँ ये है कि ग्राउंड पे ना बाता बाती बहुत कम होती है मेरे से, क्योंकि मैं हर प्लेयर की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल प्लेयर हो या लोकल प्लेयर हो। तो ऐसा बहुत कम बार ऐसा हुआ है, लेकिन हाँ टीम के थ्रू बहुत बार हुआ है। जैसा हमारी विनर्स टीम है, देखो अच्छी टीम होती है ना तो सामने वाली टीम भी ठस्सन देने की कोशिश करती है। तो मुझे बिल्कुल तो कभी पर्सनली ऐसा किसी ने ऐसा बोला नहीं, एक ही बार हुआ था, मैं वो किस्सा भी बताऊंगा आपको। लेकिन हमारी टीम के सामने ऐसी बहुत ठसन होती थी, तो हम लोग वो सब मैचेस ना पहले टीम में एक मीटिंग लेते थे कि ये मैच अपने को ठसन वाली मैच है, जितना ही है, और सब लोग अपना 100 नहीं 200% देंगे मैच जीतने के लिए, और हम लोग जीतते भी 2 मैच। हाँ एक बार वो कौन सा ग्राउंड है, मनसे चषक जो परेल के ग्राउंड पे होता है, उस टाइम पे मेरी बदरे आलम से मचमच हो गई थी, शक्ति चषक में। हाँ वो उस टाइम पे मेरी मचमच हो गई थी। वो भी कैसे हो गई थी, वो बहुत बड़ा बॉलर है बदरे आलम, लेदर का बहुत अच्छा बॉलर है, एमपीएल में उसने बेस्ट बॉलर भी लिया है, ठीक है। उसने उसको मैंने 2 सिक्स मारा था, उसने बाद में मुझे आउट किया ना, तो उसने बस थोड़ा मुंह में थोड़ा गाली जैसा बोल दिया था, तो मैं बैट लेके चले गया था उसके तरफ मारने के लिए। लेकिन अच्छा फिर सब ऐसा लोग आए टीम वाले, हाँ बैट लेके चले गया था डायरेक्ट मारने के लिए मैं उसके पास, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था कि कोई हाँ बेवजह गाली देते। मैंने उसको मारा, मैंने तो उसको गाली नहीं दिया मार के, बिल्कुल तो उसने मैं मारने के चक्कर में उसका आउट हो गया 6 पे। हाँ तो उसने आउट होने के बाद गाली जो दिया ना, मेरा दिमाग खराब हो गया और मैच हमारी बहुत टसन वाली चली, तो मैंने डायरेक्ट चले गया था। आओ यूट्यूब पे आज भी मैच देखोगे ना तो वो दिखेगा आपको, तो थोड़ी मैं बैट लेके डायरेक्ट चले गया था मारने के लिए उसको। तो फिर सी सब टीम वाले अनबन भी आ गए, अनबन हो हो गई गई थी उस होगी। टाइम पे। और फिर वो मैच का सिचुएशन भी ऐसा आया था, 2 बॉल में कुछ 12 रन चाहिए था और जया ने मार दिया था। हाँ तो ऐसी मैच, इतनी टसन वाली मैच, और फिर वो मैच के बाद वापस गर्मा गर्मी हो गई थी। ऐसा यानी होता है ये क्रिकेट में, क्रिकेट लेकिन में होता है। ऐसा सिर्फ वो ग्राउंड तक, फिर ग्राउंड हाँ के बाद भी बदरे आलम मेरे से मिला, मैं भी उससे मिला, ऐसा फिर उसके बाद कभी कुछ नहीं, ग्राउंड तक यही तो चीज होती है, अगर हम एकेडमी में जाते हैं नए बच्चे का एडमिशन कराने, तो बच्चे को सबसे पहले बैट और बॉल के साथ में क्रिकेट नहीं खिलाया जाता, उसे सबसे पहले यही चीज सिखाई जाती है, आदर और सम्मान। आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, उसके बाद क्रिकेट खेलें, क्योंकि अगर क्रिकेट में इज्जत रिस्पेक्ट अगर नहीं करते हो तो फिर आपकी जगह नहीं रहती है। वो चीज का एक उदाहरण आपने जरूर दिया, जो कुछ हुआ ग्राउंड के अंदर हुआ, लेकिन ग्राउंड के बाहर ग्राउंड आकर के। जो नॉर्मली क्योंकि इंसान, क्रिकेट अगर आपको जीतना है ना, वो ठसन के बगैर और जिद के बगैर जीत नहीं सकते। जहां तक मैंने क्रिकेट सीखा हूं ना, पहले से लेके आज तक, ठसन और जिद के बगैर आप क्रिकेटर अच्छे बन भी नहीं सकते हो, और आप अपनी टीम को जिता भी नहीं सकते हो। और वही टीम जीतती है जिसके अंदर अंदर से फीलिंग, गट सी फीलिंग होती है ना, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, वही टीम हमेशा जीतती है। तो हम लोगों बिल्कुल ने सब ऐसे ही हमेशा गट सी क्रिकेट ही खेला। कुछ वक्त पहले जिस तरीके से अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करता हूँ, तो मैन ऑफ द सीरीज के लिए आपको कार मिली थी, उससे पहले का कुछ एक दौर था, वही सीजन में कुछ समय पहले अख्तर शेख थोड़े से बैकफुट पर नजर आ रहे थे, कुछ फॉर्म में नहीं थे, और फिर अख्तर शेख ने अपने नाम की छाप सुप्रीमो में छोड़ी और मैन ऑफ द सीरीज की कार आपने हासिल करी, उस जर्नी के बारे में हमें जरूर बताइए आप। एक्चुअली कैसा होता है ना, मैंने हमेशा ना क्या सोचा मालूम है क्या, यंग प्लेयर्स लोगों को चांस दो, ठीक है। उस टाइम पे हमारी टीम में ना भावेश पवार की एंट्री हुई थी, और ऐसे 2 3 विश्वनाथ की एंट्री हुई थी, और मेरा जो नंबर बैटिंग का आता था ना, वो लास्ट में 1 से 2 ओवर के लिए ही आता था। तो लैमलाइट में जितना ओपनिंग बैट्समैन आता है ना, वो फिनिशर उतना नहीं आता है, ठीक हाँ है। बिल्कुल मैं हमेशा मेरा काम करता था, जाके 1 2 6 1 2 6 मारता था, लेकिन जो लैमलाइट जो ओपनिंग बैट्समैन लोगों को मिलता है ना, वो एक फिनिशर को उतना नहीं मिलता है। मैन ऑफ द मैचेस भी, मैन ऑफ द सीरीज भी जो मिलती है, वो ओपनिंग बैट्समैन लोगों को ही ज्यादा मिलती है। तो ज्यादा मैं ऐसा मिलती नहीं है था कि बैकफुट पे था, मैं ये था कि अपने नए प्लेयर लोगों को चांस दूं, क्योंकि अपन ने तो बहुत क्रिकेट खेले और अपन ने अपना नाम कमा लिया जितना कमाने का था। अभी नाम करने का टाइम नए प्लेयर्स लोगों का था। उस टाइम पे भावेश की और विश्वनाथ की भी एंट्री हुई थी,
तो मैं ज्यादा करके उन लोगों को अपनी जगह पे चांस देता था, लेकिन सुप्रीम वो ऐसा टूर्नामेंट है, वो वर्ल्ड कप है और वो 8 ओवर का मैच होता है, ठीक है। तो उसमें कैसा बराबर मेरे को 4 ओवर खेलने मिलती है, तो 4 ओवर में अपन अपना खुद का इंडिविजुअल स्कोर भी अच्छा कर सकते और अपनी टीम को जीता भी सकते। तो इसके लिए मुझे सुप्रीम में मैन ऑफ द सीरीज मिली, क्योंकि वो 8 ओवर का गेम होता है, बड़ा गेम होता है, और वो ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस जो होता है ना जिसको, वही वो ग्राउंड पे परफॉर्मेंस कर सकते। और मैंने जब भी उस ग्राउंड पे खेला हूँ आज तक के सबसे ज्यादा रन भी उसी ग्राउंड पे मेरे है, सबसे ज्यादा अगर कोई प्लेयर ने 6 मारा है तो वो भी मैं फर्स्ट पे हूँ, सबसे ज्यादा रन करने वाला भी फर्स्ट पे मैं ही हूँ आज तक। तो वो सुप्रीमो में मेरे बोलते ना वो एक लकी ग्राउंड भी है मेरे लिए, और हमेशा मैंने वहां पे ना स्कोर किया ही भाई। बिल्कुल, तो ये आपकी जर्नी रही प्रोफेशनल क्रिकेट की। मैं अक्कू आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपने प्रोफेशनल क्रिकेट बहुत खेला, लेकिन आपको स्पेशली अगर कोई टूर्नामेंट सबसे ज्यादा अगर पसंद आती है तो वो टूर्नामेंट कौन सी होगी, उसका नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं आप? देखा सर, बहुत से टूर्नामेंट्स है जो अभी बहुत अच्छे अच्छे होने लग गए, जैसे सुप्रीमो तो फर्स्ट पे है नो डाउट, फिर उसके बाद में रतन बुआ पाटिल है, फिर रत्नागिरी की चैंपियंस ट्रॉफी है, रत्नागिरी की साई रत्न ट्रॉफी है, और फिर मैं जैसे बाहर जाता हूँ तो राजकोट हो गया, राजकोट में गोंडल करके टूर्नामेंट होता है वो वहां का वर्ल्ड कप है, और गुजरात में साइना कप है वहां का वर्ल्ड कप है। तो अपने अपने एरिया में ऐसे बहुत से ऐसे, अभी इस साल हम लोग कलकत्ता भी गए थे राजनंदी टूर्नामेंट, वो वहां का वर्ल्ड कप है, तो ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट खेले है जो अपने अपनी जगह पे ना अपने अपने एरिया के वर्ल्ड कप होते हैं। यस सर, अब क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे, जो आपके नजदीकी प्लेयर्स हैं, जो उभरते सितारे जिन्हें आपने परफॉर्मेंस करने का मौका दिया, सबसे पहले एम्ब्रोस खान के बारे में आपसे मैं कुछ ऐसे सवाल कर रहा हूँ, एक अच्छी बात आपको बताना है और एक उनकी बुरी आदत बताना है, दो चीजें, तो पहले अच्छी बात बताइए उनके बारे में। देखो अच्छी बात एम्ब्रोस के अंदर ये है कि जो लेवल का वो बॉलर है ना, जो क्वालिटी का जो स्किल का वो बॉलर है ना, उसे खुद भी नहीं पता उसके अंदर टैलेंट क्या है। मुझे पता है, दूसरों लोगों को पता है, लेकिन उसको खुद को भी नहीं पता उसके अंदर टैलेंट क्या है। उसके पास जो लेग ब्रेक है इतने पेस में एक्शन को चेंज करके लेग ब्रेक जो डालना, वो सबके पास बस की बात नहीं है। ऑफ ब्रेक तो कोई भी डाल सकता है भाग के आके, लेकिन जो पेस में जो फॉलो थ्रू में आके वो लेग ब्रेक डालता है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है उसके पास। तो मेरे ख्याल से ये टैलेंट सबके पास नहीं है, उसी के पास है। आज भी बॉम्बे में इतने बड़े रनअप के साथ लेग ब्रेक कोई भी नहीं डालता, विजय पावरे भी डालता है लेकिन वो स्लोअर वन डालता है बैक ऑफ द एंड। लेग ब्रेक डालना एक अलग चीज है, बैक ऑफ द एंड डालना एक अलग चीज है। तो वो एम्ब्रोस के पास ही है, वो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है उसके लिए। और बुरी बात यह है कि साला मेहनत नहीं करता। मैंने हमेशा देखो, एक बॉलर का क्रिकेट आज की तारीख में ना बैट्समैन का ही गेम है, बिल्कुल बॉलर को रन पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद बॉलर कैसा उभर के आता है ना, ये अपने हाथ में होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको रन पड़ते हैं ना तो मैं चिल्लाता हूँ उसके अच्छे के लिए, चिल्लाता हूँ फिर मैं उसको और डांटता हूँ, और हमेशा ना मैं उसको 5 बजे के टाइम पे फोन करता हूँ कि प्रैक्टिस हो ग्राउंड पे आ, हमेशा मैं खुद उसको फोन करके बुलाता हूँ, लेकिन फिर भी साला हफ्ते में 2 या 3 बार ही आता है। अगर वो प्रैक्टिस करे ना, उसके पास जो टैलेंट है वो मैंने जैसा बताया किसी के पास नहीं, वो और ऊपर तक जाएगा। बस ये उसके अंदर बुरी आदत है कि प्रैक्टिस कम करता है। अगर मैं अब बात करूं अयुब के बारे में, तो अयुब के बारे में भी वही क्वेश्चन रहेगा, एक अच्छा एक कुछ थोड़ा सा बुरा। यस, अयुब है ना, अयुब एक स्पेशल टैलेंट है। अयुब को मैंने आज से लगभग 8 से 9 साल पहले देखा था, 8 साल पहले, जब हम लोग राबड़ी के मिक्स टीम लेके जाते थे, ऐसी मतलब प्लेयर्स लोग लोकल मैचेस खेलते, डब्बा मैच होती है ना, ऐसा डब्बा मैच खेलने के लिए हम लोग घोड़बंदर साइड जाते थे, तो अयुब भी खेलता था उनकी तरफ से, बड़ोली की टीम से। उस टाइम में मैंने फर्स्ट टाइम पे अयुब को देखा था। अयुब के पास एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर बनने की कैपेबिलिटी है, उसके पास वो क्वालिटी है जो एक अच्छा ऑलराउंडर बॉम्बे के अंदर बन सकता है। अच्छा। क्योंकि वो सिक्स भी जो मारता है ना, वो सिक्स नहीं वो 8 ही मारता है। बिल्कुल, आपने भी देखे, बॉलिंग भी बहुत दम से डालता है। बस ये है, बुरा उसका ये लगता है कि साला मैचेस को टाइम पे आता नहीं है, उसकी दोस्ती यारी ज्यादा लगती है। देखो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, दोस्ती यारी हमने भी बहुत की है, लेकिन क्रिकेट अगर अपने को कुछ बनना है, अपना खुद का नाम करना है ना, तो पहले क्रिकेट, उसके बाद में जब घर आते हो ना तब दोस्ती यारी करो। मैचेस हफ्ते में 2 से 3 दिन होती है, बिल्कुल, बाकी 4 दिन आपको मिलते हैं दोस्ती यारी के लिए। लेकिन ऐसा बहुत बार ऐसा होता है मेरे को फोन करके बोलना पड़ता है कि अयुब चल मैच को, अयुब के फिर रीजन चल रहे थे कि मेरे को कभी गाँव जाना है, कभी मेरे दोस्तों की पार्टी है। तो वो चीज अगर नहीं करेगा ना, अयुब बहुत अच्छा एक ऑलराउंडर बनेगा जो बॉम्बे क्रिकेट में आगे चल के बहुत नाम कमाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी अगर देखा जाए तो लॉकडाउन पीरियड में वो गांव में बैठे हुए हैं, अभी तक के आए नहीं, वहीं पे उनको रुका दिया गया। जस्ट आपके इंटरव्यू से पहले ही मेरे साथ में उनकी बातचीत हुई, तो अभी भी वो गांव में। अच्छा उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ रवि घुम्मत, जो एक उभरता सितारा है और ठाणे का नाम रोशन कर रहा है, उसके बारे में मैं जरूर अक्कू भाई आपसे जानना चाहूंगा। रवि बुम्बक मेरे ख्याल में आज की तारीख में बॉम्बे के जो टॉप 4-5 बॉलर है ना, 3 बॉलर पकड़ो उसके लेवल में बॉलर में आ गया है वो। क्योंकि पिछले 2 साल में रवि बुम्बक ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में बेस्ट बॉलर लिया है और एक बॉलर के होते हुए मैन ऑफ द सीरीज भी लिया है उसने। तो एक क्वालिटी वाला बॉलर है, एक अच्छा बॉलर है, एक टैलेंटेड बॉलर है और मेहनती भी है। लेकिन बस बुरी आदत उसकी क्या लगती है मानो कि बचपना साले के अंदर बहुत है। हाँ बचपना बहुत ज्यादा भरा हुआ है उसके अंदर। कभी कभी जो चीज उसको समझना चाहिए वो चीज समझता नहीं है। और मैं हमेशा उन लोगों को समझा दू क्योंकि मैं हर एक दौर से गुजर चुका हूँ। मैंने क्रिकेट में एज अ बॉलर भी देखा हूँ, एज अ बैट्समैन भी सब लोगों को देखा हूँ। मुझे मालूम है बॉलर का जो क्रिकेट का जो करियर है ना वो आज की तारीख में बहुत कम है। बहुत कम। ठीक है बहुत कम, क्योंकि बैट्समैन का ही गेम है, बॉल ही ऐसा आ गया है, हाँ उसमें ग्राउंड भी थोड़े शॉर्ट हो गए हैं, सर्कल आ गया है। तो बॉलर अगर मेहनत करेंगे, वो मेहनत करता है, लेकिन बहुत ऐसा होता है ना हमेशा कि उसको बहुत समझाना पड़ता है कि यार रवि ऐसा कर, रवि वैसा कर, रवि वैसा कर। तो साला वो बचपने में ना समझता नहीं है, वो हंसी मजाक में ना बातों को टाल देता है कि भाई ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा। अरे मैं समझा रहा हूँ तेरे को, ऐसा नहीं ऐसा ही होगा। तो उसमें भी वो एक्सक्यूज देता है, ऐसा नहीं ऐसा होगा। अगर वो चीज को मानेगा ना तो बहुत हाँ बड़ा बॉलर बनेगा। बिल्कुल, ये तो थी प्रोफेशनल की बातें, प्रोफेशनल क्रिकेट से रिलेटेड बातें। अब आ जाते हैं हम ठाणा क्रिकेट की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, ठाणा क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है मेघनाथ गुंडले, उनके बारे में आपकी क्या राय है और किस तरीके से आपका नजरिया उनके साथ? देखो मेगा का ऐसा है ना कि सच में अगर अभी थाने क्रिकेट को कोई राह पे लेके जा रहा है ना अच्छी जगह पे, तो वो मेगा का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। बाद में वेंकट वगैरह ये लोग भी है, सब अपने अपनी कमेटी पे अपने अपनी जगह पे है, लेकिन मेगा जो है वो हेड है। और मेगा मेरे ख्याल से ना बहुत बड़े दिल का लड़का है, क्योंकि मैंने उसको देखा हूं, वो जब भी टीम को बाहर खेलने के लिए लेके जाता ना, खुद की तरफ से खर्चा भी करता है और सबसे पहले वो प्लेयर्स लोगों के लिए खाने का इंतजाम सबसे पहले करता है। उसी गाड़ी में हमेशा आप देखोगे 5 से 6 किलो बिरयानी रहती है। तो वो प्लेयर्स लोगों की बहुत इज्जत भी करता है, जो वो लोग करते हैं ना प्लेयर्स लोग, उन लोगों की बहुत मेहनत की वो सराहना भी करता है। तो जो काम मेगा जो कर रहा है ना वो सच में बहुत अच्छा कर रहा है। हैट्स ऑफ टू यू मेगा, ऐसे ही करते रहे, थाना को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देवे और प्लेयर्स लोगों को भी बोलूंगा उसकी बात सुना करे। क्योंकि अगर अपने को कोई सही रास्ता दिखाता है ना, उस आदमी की इज्जत करना, उसकी बात सुनना, ये भी अपना काम है। तभी जाके आप कुछ अच्छा करोगे अगर किसी की बात सीखोगे। बिल्कुल। अब आपकी टीम के बारे में आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा, आपकी टीम में काफी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, खासकर आसिफ के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, आसिफ के बारे में आपकी क्या राय है? उसी तरीके से एक अच्छी बात और एक बुरी बात। देखो आपको एमरूस ने भी बता दिया आसिफ के अंदर क्या है। आसिफ की अच्छी बात एक ये है करके वो मैच कोई भी सिचुएशन में हो वो हंसते ही रहता है। ये उसकी अच्छी अच्छा पॉइंट भी है। अच्छा अच्छा पॉइंट। पॉइंट इस वजह से है क्योंकि वो सिचुएशन में कभी कभी समझता नहीं है और कुछ भी कर देता है। और बुरा पॉइंट भी उसका यही है कि वो कभी कभी सिचुएशन को समझता नहीं है और जीती हुई मैच को भी पलट देता है। तो थोड़ा उसको दिमाग लाना चाहिए ये सब चीजों में। अभी उसको भी खेल के लगभग 5 से 6 साल हो गए, लेकिन जो मेच्योरिटी आती है ना आदमी में वो उसके अंदर आना चाहिए। अच्छी चीज है कि चलो ठीक है तुम बॉलर को जानते नहीं, हंसी मजाक में किसी को भी मार देते हो, लेकिन कभी कभी यही तुम्हारा जो प्लस पॉइंट होता है ना वो नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। इंसान के हमेशा ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो प्लस से माइनस भी हो जाते हैं। प्लस से तो माइनस प्लस भी। पॉइंट को प्लस ही रखे तो अच्छा है, वो पॉइंट को वो माइनस भी कर लेता है कि जीती हुई मैच को ना 4-5 बॉल डॉट करके वो मैच को हरा देता है। जैसे मुमरा में एक बार हुआ था आपके नाइट के टूर्नामेंट में, मैंने उसको बोला था कि तू ओपनिंग जा लेकिन स्ट्राइक मत लेना, लेकिन उसके पहले के टूर्नामेंट में उसने वो बॉलर को मारा था तो बोला नहीं मैं स्ट्राइक लूंगा जाके। उसने सुना नहीं और वही बॉलर ने उसको 2 ओवर में 2 ही रन करने को दिया, 10 बॉल डॉट कर दिया लाइन सर, हम लोग मैच हार गए। तो ऐसा ही वही उसका जो प्लस पॉइंट है वही उसको माइनस पॉइंट भी है। अगर वो प्लस पॉइंट को प्लस रखे और अब दूसरी चीजों को ना देखे ना तो बहुत अच्छा क्रिकेटर बनेगा क्रिकेट में, क्योंकि दिमाग का बहुत जरूरी है ना यूज करना, दिमाग का यूज करना जरूरी है। और बहुत जरूरी है। अगर अजहर के बारे में अगर मैं बात करूं तो अजहर के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उस खिलाड़ी को मैंने देखा है आपकी टीम के, उसने क्रिकेट के लिए अपने वेट को लॉस किया और बहुत अच्छे प्लेयर भी है नो डाउट, और एक अच्छी फिटनेस के साथ वो इस सीजन में उतरे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप?
देखो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अजहर सच में 120 किलो का था। उसने क्रिकेट के लिए वाकई में बोलता हूँ, वो लड़के ने बहुत मेहनत किया। जब वो स्टार्टिंग में जब मेहनत कर रहा था ना, तो हमारी टीम में आपको पता है मुजीब, वो भी मोटा है, वो उस टाइम पे हंसी उड़ाता था उसकी, अरे क्या तू पेट कम करेगा, क्या मेहनत करेगा, तेरे से खाना कम तो होता नहीं है, तो क्या कर पाएगा। लेकिन वो बंदे ने उस टाइम पे बोला था, भाई मुजीब भाई मुझे 6 महीने के बाद देखना तुम। और वाकई में जब उसको हम लोगों ने 6 महीने के बाद बारिश के बाद देखे ना, तो सच में उस बंदे ने कम से कम 25 से 30 किलो अपना वजन घटाया था। तो मुजीब ने उस टाइम पे बोला था, वाकई में तूने मेहनत किया, और खास वो मेहनत ना उसने क्रिकेट के लिए किया, और वो बहुत अच्छा प्लेयर है हमारी टीम के लिए। आप भी जानते हो कि मेरे बाद उसका ही नंबर आता है उसका ही नंबर आता है मैच फिनिशिंग में, क्योंकि मैं जाता हूँ वन डाउन, वो जाता है टू डाउन, तो वो मैच फिनिश करता है। और अगर सबसे अच्छी आज तक की उसकी मुझे कोई पारी लगी ना, तो वो ये साल की ना वडौली के नाइट टूर्नामेंट में जो हुआ था, ट्रिपल एस जो डीजे मेरे, वाला। हाँ ट्रिपल एस डीजे वाला, जो मेरे आउट होने के बाद जो उसने पारी खेली थी ना, वो आज तक की सबसे डेंजर पारी उसने खेली टीम के लिए। जब बिल्कुल मैंने खुद ने उसको बोला था, अजहर वाकई में तू हंक है, क्योंकि उसने उस टाइम पे 6 नहीं 8 नहीं 10 से मारा था, बहुत जोश में थे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में भी और थे, मैच फिनिश और किया ना, मेन बात ये कि मैच फिनिश किया उसने। एक अच्छा मैच फिनिशर माना जा सकता है आपकी टीम के लिए। उसी तरीके से नजीबुल्लाह चषक जो होना होता था, और कुछ निजी कारणों की वजह से शायद मेरे ख्याल से बंद हो चुका है, और मैंने बात भी की है बॉस से, और स्पेशली उनका इंटरव्यू भी लिया था रणजीत ट्रॉफी के वक्त में, और मैंने उनसे पूछा भी था, तो बॉस ने कहा था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि फिर से एक बार टूर्नामेंट ऑन करूं, क्योंकि तमाम दर्शकों की उस टूर्नामेंट पे नजर रहती है। तो उस टूर्नामेंट के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कितनी बार चैंपियन बनी है राबुड़ी, तो आप बताना चाहेंगे कितनी बार चैंपियन का खिताब मिला है राबुड़ी को? देखो राबड़ी तो एक ही बार चैंपियन बनी, क्योंकि मैं और एम्ब्रूस ज्यादा करके वो टूर्नामेंट में प्रोफेशनल टीम में ही खेले। हम स्टार्टिंग के 3 साल खेले, मैं अकेला एक बार था मैचलेस में, दूसरे बार हम खेली विनर्स, और दूसरे बार खेली विनर्स और मैचलेस मिक्स खेली थी। और जब तीसरे बार हम लोग चैंपियन हुए, जब विनर्स थी, जब उस टाइम पे एम्ब्रूस की भी एंट्री हो चुकी थी विनर्स में, तो हम 3 साल कंटिन्यू स्टार्टिंग के वो टूर्नामेंट फाइनल जीते। और जैसा आप जानते हो थाना का अगर कोई वर्ल्ड कप उस टाइम पे जो था, तो वो नजीब मुल्ला ही था। बेशक बेशक उसके बाद में दोस्त 3 साल के बाद ऐसा हुआ कि नजीब भाई ने मुझे खुद बोले, अक्कू बस हो गया, अभी तूने 3 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेल लिया, अभी जब भी टूर्नामेंट होएगा तो तेरे को लोकल ही खेलना है, मेरी बिल्कुल टीम की तरफ से ही खेलना, राबड़ी की तरफ से। फिर मैंने 2 साल खेला, तो एक साल उसमें हम लोग चैंपियन हुए। जब हम लोग ने फाइनल में प्रोफेशनल टीम को, जो हमारी खुद की विनर्स की, जो मैंने खुद ने ही बनाया था वो टीम को भी, कृष्णा होंडो बिंडो सब लोगों को लेके बनाया था, वो टीम फाइनल में आई थी, और उन लोग को हम लोगों ने फाइनल जीते थे उनके सामने, क्योंकि उनके हम लोग का आगे अटैक बहुत डेंजर अटैक था, सद्दाम विद्दम को तो आप जानते ही हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग थी वो टाइम पे, एक्स्ट्रॉर्डनरी अटैक था। और हम लोगों ने कुछ 4 ओवर में 67 मार दिए थे, और उस और टाइम पे थोड़ी वो मेरी और सिचुएशन होंडो की सर, बहस भी हो गई थी। हाँ यस सर, वो सिचुएशन में मुझे अभी भी पता है कि उस टाइम पे आपने टारगेट बना लिया था ओमकार देसाई को, और ओमकार देसाई की बॉलिंग पे आपने जो बड़े बड़े हिट लगाए थे, वो मैच का दृश्य चेंज कर दिया था पूरी तरीके से। नहीं और एक्चुअली कैसा हो गया था वो मैच में ना, हम लोगों की थोड़ी मेरी थोड़ी सी मचमच हो गई थी होंडो से, अच्छा ग्राउंड वो क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड के लिए, वो ऐसा हो गया था कि कॉम्प्रो के ऊपर बात आई थी, कॉम्प्रो के ऊपर बात हुई थी। तो मैंने मुजीब को बोला कि मुजीब देख कॉम्प्रो की बात मत कर, खेलेंगे वो लोग, कॉम्प्रो नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि प्रोफेशनल टीम थी और बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी, मैंने खुद ने वो टीम बनाया था। कृष्णा को भी फर्स्ट टाइम पे मैंने उस टाइम पे बुलाया था खेलने के लिए नजीब मुल्ला टूर्नामेंट में, और बहुत अच्छी टीम बनी थी। तो मुझे बोला नहीं यार अपने से करेंगे कॉम्प्रो, मैं बोला ठीक है करेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन तू नहीं जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि मैं बोला क्या मसला है, अपन यहाँ तक पहुंच गए यही बहुत बड़ी बात है अपने लिए। मुझे बोला ठीक है मैं जाके बात तो करता हूँ, मैंने बोला ठीक है तेरे को जाना है तू जा। मुझे गया उसके पास, बोले आधा तो कॉम्प्रो करना है, सबसे पहले तो बता दो सब लोगों को कि कॉम्प्रो का मतलब हार और जीत नहीं होता है। मैं आज सबको बताता हूँ चीज, बहुत से लोगों को क्या लगता है कॉम्प्रो का मतलब हार या जीत होती है, कॉम्प्रो का मतलब सिर्फ पैसे का डिवाइड होता है, पैसा दोनों में बराबरी बचता है, बाकी जिसको जीत के लेना है वो अपनी मेहनत से जीत के लेगा, ठीक है ये सबको पहली बात तो बता दूं। तो मुजीब गया उसके पास, मुजीब ने उसको बोला आधा आधा कॉम्प्रो करते हैं। तो होंडो ने उसको क्या बोला, आधा आधा नहीं करेंगे हम, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। तो मुजीब ने बोला यार कैसा 20,000, नहीं बोले यार हम लोग की टीम बहुत बड़ी टीम है, तुम लोगों को तो हम लोग ऐसे हरा देंगे। तो मुजीब आया मेरे पास, तो मैंने मुजीब को गाली दिया पहले, तो मैंने तेको मना किया था कि मत जा, फिर भी तू गया, मैं रुक अभी मैं जाता हूँ। फिर मैं गया होंडो के पास, मैंने क्या रे तूने 20,000 रुपये उसको ज्यादा बोला देने के, बोले हाँ यार आपको पहले, इसके पहले भी हमारा सेमीफाइनल मैच में कॉम्प्रो हुआ है। मैं बोला उससे मैं क्या करूँ, हमारा भी कॉम्प्रो था सेमीफाइनल में, तुम लोग ही थे हमारे सामने जॉली बॉयज, बिल्कुल ठीक है मैं हमारा भी हुआ है, वो तो सबके साथ है ना, ऐसा तो नहीं है।
मैं बोला तेरे को कॉम्प्रो करना है कि नहीं, तो मेरे को बोलने का 20,000 देता है तो करता हूँ, नहीं तो फिर क्या। मैं बोला ठीक है खेल विदाउट, मैं बोला मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हंडो भी ये बात जानता था कि विदाउट के लिए मैं हमेशा रेडी था, क्योंकि वो मेरे साथ क्रिकेट प्रोफेशनल खेला है। क्योंकि विदाउट कॉम्प्रो के लिए सबसे पहले टीम में अगर मना करता था तो मैं ही करता था, क्योंकि मेरे को गट्सी क्रिकेट ही खेलने मजा आती थी। तो हंडो को मैंने बोला ठीक है विदाउट कॉम्प्रो खेलेंगे अपन, मतलब जीत के दिखा तू भी। तो बोले ठीक है। अब जैसा हमारे 2 ओवर में स्टार्टिंग के 17 रन हुए थे, मैं जाता हूँ बैटिंग के लिए, फिर हंडो आया मेरे पास, बोले एक काम कर 20 नहीं 10 दे। मैं बोला 10 नहीं, करने का तो आधा आधा कर, नहीं तो विदाउट कॉम्प्रो खेल। मैं हम लोग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम बिल्कुल लोग हारेंगे तो तुम लोग को ज्यादा फर्क पड़ेगा, मतलब इतना सोच ले। बिल्कुल हाँ मतलब तुम लोग सोच ले, अगर हारेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो उस टाइम पे भी हम लोग की मचमच चल रही थी, तो पब्लिक को क्या लग रहा था, मैं जब बैटिंग पे, पब्लिक को ये लग रहा था कि हम लोग की मैच फिक्सिंग हो रही। अच्छा पब्लिक को ऐसा, क्योंकि हॉन्डो मेरा दोस्त था, सब लोग को मालूम है, हाँ तो सब 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 लोग को लोग ये लगा कि मैच फिक्सिंग हो रही, लेकिन हालांकि उस टाइम पे हो रही थी हम लोग की मचमच। मैंने बोला नहीं करता कॉम्प्रो, अगर करने का तो कर। तो फिर मैंने एक हुआ, फिर उसके बाद में फौरन ओमकार आया मेरे पास, मेरे को बोलता जान दे आपको एक काम करते आधा आधा कर लेते, भगा जो भी है मैच मैच खत्म करो। तो हंडो भी आया मेरे पास, हाँ ठीक है चल, बोले आधा आधा, तू तो सुनेगा नहीं, मेरे को मालूम है ऐसा वैसा। मैंने तेरे को मालूम है जब मेरे को कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने बिल्कुल तू भी समझ जा, मैंने है तो बिल्कुल अपन दोनों दोस्त ही ना ग्राउंड के बाहर, थोड़े के पैसे के बिल्कुल लिए क्या के लिए मच मच करने का। तो पब्लिक को उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हम लोग इतनी बातचीत हो रही है ना, हाँ तो तो ये वो शायद फिक्सिंग मैच वाली फिक्स बातचीत हो रही है। लेकिन उस टाइम पे अच्छा ठसन चल रही थी। अच्छा तीसरे ओवर में ऐसा हो गया कि ओमकार, मैं लेफ्टी बैट्समैन हूँ, ओमकार ओमकार गुड आया, ऑफ हाँ एवरेज बहुत अच्छा ऑफ ब्रेक डालता बहुत अच्छा डालता लेफ्टी लोग, ठीक है। तो उसने क्या बोला कैप्टन को करके, अभी लेफ्टी बैटिंग कर रहा है तो मैं ऑफ ब्रेक बॉलिंग अपूर डालता हूँ। है। और एक चीज और बता दूं कि उसने एक बॉलर ऑलरेडी शॉट था, उससे पहले मेरे ख्याल से ग्रीन ने एक मैच को निकाला था बैंगलोर के अगेंस्ट, 6 बॉल में 13 नहीं करने दिए थे, ऑलरेडी एक बॉलर शॉट था, तो उन्होंने ग्रीन के बजाय मेरे ख्याल से ओंकार को शायद बॉलिंग दी। नहीं एक्चुअली बॉलर था उनके पास, एक और बॉलर कोई तो उनके पास स्पीवर था, लेकिन ओमकार खुद गया उनके पास, ओमकार ने खुद ने बोला करके, नहीं बोले लेफ्टी बैट्समैन है, मैं ऑफ ब्रेक अच्छा डालता हूँ लेफ्टी को, मैं डालता हूँ उसको। लेकिन मैं ऑफ ब्रेक बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलता था, जैसा मैंने ओमकार को देखा, मैंने बोला यही ओवर में अपने को टारगेट करना पड़ेगा, ये ओवर में कम से कम 3 6 मार के ना एक मैच को एक अच्छे अच्छे लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो गया, मैंने पहला 6 मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, पांचवा मारा, और एक रिवर्स मारने के चक्कर में मैंने वो 6 नहीं वो बाउंड्री मार दिया। तो मैंने वो ओवर में 5 5 6 एक बाउंड्री मारा। तो पब्लिक को क्या लगा मालूम है, कि लोगों की जो मचमच चल रही थी ना, वो मचमच नहीं मैच फिक्सिंग थी, मैं और उसमें ओमकार ने 34 रन खा गया। लेकिन मैं एक बात सब किसको भी बता दूं, 5 6 मारना कोई भी बॉलर को, कितनी भी बड़ी मैच फिक्सिंग हुआ, इजी काम नहीं है। काम वो नहीं है, बॉलर सही अंडर आर्म तो बॉलिंग डालने रहा था, डाल रहा था, ठीक नो है, डाउट। अंडर आर्म तो नहीं डाल रहा था, वो ओवर आर्म ही डाल रहा था, जो उसकी नॉर्मल डाल रहा था। लेकिन पब्लिक वो बोलते ना, एक सोच होती है इंसान की, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये कॉम्प्रो सिस्टम होता क्या एक्चुअली। पब्लिक को लगा अब इन लोगों ने मैच छोड़ दिए, और जब मैंने वो ओवर में इसको 34 रन मारा ना, मैं होंडो के पास गया, मैंने होंडो को ये बात बोला अब जीत के दिखाना तू मैच। मैंने, क्योंकि हमारा अटैक बहुत डेंजर अटैक था, सद्दाम था, बहुत कांगड़ा स्लो डाउन था था, बिल्कुल एमरुस था, मैं खुद था। तो मैंने जब वो 34 रन मारा, मैं वापस इसके पास गया होंडो के पास, मैं बोला अभी तेरे अंदर दम होएगा ना, तो मतलब मैच जीत। मैच जीत के दिखा देना। तो पब्लिक को उसमें भी ऐसा लगा कि लोग की पूरी सेटिंग हो गई है। और पूरी मैच जी हम लोग ने 67 68 रन किए, और हम लोग ने वन साइड लोगों को ले लिए। पहले ओवर में कृष्णा आउट, हॉन्डो पहली बॉल पे आउट, ओमकार ने एक आध दो 6 मारा वो आउट, और उन लोगों ने कम से कम, हम लोग थे ना 40 35 40 रन से वो मैच हार गए। तो पब्लिक को और ऐसा लगा करके, नहीं है मैं तो सही में मैच फिक्सिंग, क्योंकि उनकी टीम ना सच में ना इतनी डेंजर टीम थी ना। तो टाइप का पब्लिक को नाम ऐसा लग लिया, रहा था, वही टाइप का पब्लिक को नाम ऐसा लग लिखा रहा था ना, ना, क्या क्या लिख रहा था, वही टाइम पे ना पब्लिक का ये मानना था कि वर्ल्ड 11 उतरी है ग्राउंड के वर्ल्ड ऊपर। इलेवन। तो वही पब्लिक को ऐसा लगा इतनी बड़ी टीम और वो 40 रन से मैच हारती है। अरे मैंने फिर सब लोग को समझाया क्रिकेट यही है, हम लोग का अटैक इतना डेंजर था, हल्के बॉल में तो हम लोग डेंजर ही थे। तो इंजरी मैंने थे सब लोग को एक समझाया, कितने भी बड़े क्रिकेटर हो, कितना भी बड़ा प्लेयर, आउट होने एक ही बॉल लगता है ना, ही बॉल और हम लगता लोग का ऐसा हो गया, हम लोग ने एक एक बॉल में उन लोग को आउट कर दिया ना, तो उन लोग को बहुत ज्यादा। हालांकि मैंने उन लोगों को 6 महीने तक ये समझाते समझाते ना थक गया कि वो मैच फिक्सिंग नहीं थी। और फिर ऐसा हुआ, हम लोग पालघर, हम लोग नेक्स्ट सीजन गए, मैं हाँ पालघर खेलता हूँ प्रोफेशनल टीम से, मैं खुद टीम बनाता हूँ, हम लोग सब अच्छा बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। हमारी मैच राबोड़ी से थी, हमारी मैच राबोड़ी से थी, राबोड़ी ने हमको की 26 रन, ठीक है, हम लोग को 27 रन जीतने को था, पर हम लोग प्रोफेशनल टीम, हम लोग वो मैच 6 रन से हार गई थी। ओ,
वही मैच वही मैच। 6 महीने के बाद, ठीक है। तो मैंने पब्लिक को उस टाइम पे वो चीज का एग्जांपल दिया, देखो जब नजीब मुल्ला में जब वो टीम जीती थी तो तुम लोग क्या बोल रहे थे कि राबड़ी की टीम कैसे इतनी बड़ी टीम को हरा सकती, आज तुम लोग ने कैसा हराया। तो ये क्रिकेट है, कोई भी किसी भी दिन पे किसी को भी हरा सकता है। फिर जब जाके पब्लिक को वो चीज समझ में आई तो वो ऐसा किस्सा हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज रही। और मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन आज आपने मेरे चैनल पे किया है तो ये चैनल पे बताया है। ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि एक आपने एक क्षण मेरे साथ में साझा किया, एक मैच की किस्सा आपने साझा किया है, बहुत अच्छी बात है। रणजी ट्रॉफी की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले सीजन में क्या राबोड़ी उसी तय में उसी तरीके से जिस तरीके से नजीब मुल्ला ट्रॉफी जीती है आने वाले 2021 में, उसी तरीके से क्या रणजी ट्रॉफी जो कि खाना का इस वक्त वर्ल्ड कप माना जाता है उस टूर्नामेंट को माना जाता है, तो क्या अक्कू अपनी सेना को उस तरीके से प्रॉपर तैयार कर कर उतारेंगे ग्राउंड और चैंपियन जी बनेंगे? जरूर, जी जरूर, इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी रहेगी कि रणजीत का टूर्नामेंट जीते, क्योंकि थाना में लगभग हर एक टूर्नामेंट हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीत चुके, एक रणजीत ही जो टूर्नामेंट अभी बाकी रह गया। और इस टाइम पे भी एक्चुअली हम लोग जीतते थे, हम लोग का फर्स्ट ईयर ही था, लेकिन हमारे पास लास्ट ओवर में कुछ 18-19 रन चाहिए था, हमारे पास बॉलर हो गया शॉर्ट, क्योंकि नए नए बॉलर है जो बॉलिंग सीख रहे हैं, ठीक है। जीशान करके कोई बॉलर था, नहीं नहीं शाकिब करके एक बॉलर था, वो कतर में एक्चुअली 2 साल से जॉब पे है, तो वो सिर्फ जब छुट्टी पे आता है ना 15-20 दिन के लिए घर पे, तभी उसको खेलने का मौका मिलता है, फिर वो वापस चले जाता है जॉब पे। तो वो उस टाइम पे आया हुआ था और हम लोगों की मैच शायद भिवंडी से लगी हुई थी, पर हम लोग वो मैच 18 रन की मैच भी लास्ट में जीत गए। अगर वो मैच हम लोग जीतते तो शायद हम लोग आगे तक पहुंच सकते थे। बिल्कुल तो आगे इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि एक नया बॉलर भी राबड़ी के लिए तैयार करे और वो टूर्नामेंट को हम लोग फाइनल जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि SS चषक हम लोग ने 1 साल फाइनल मार चुके हैं, वो नाइट का वर्ल्ड कप नाइट टोल्ड वो वड़ोली का, तो ये भी इंशाल्लाह डे में भी फाइनल मारेंगे किसी। अगर मैं आपकी घरेलू टीम छोड़कर ये पूछूं कि आपको कौन सा प्लेयर पसंद आता है आज हाल फिलहाल यंगस्टर्स में खाने में, तो आप किसका नाम मेरे सामने रखोगे कि भाई देखिए यंगस्टर? एक एक इंडिविजुअल प्लेयर्स तो नहीं बोलूंगा मैं, ऐसे 2-3 ऐसे प्लेयर है जो मेरी नजर में है, जिनको मैं आगे प्रोफेशनल क्रिकेट में खुद लेके जाना भी चाहता हूँ और आगे अच्छा नाम करते हुए देखना चाहता हूँ। एक तो तुम्हारा अय्यूब हो गया जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल भी रहा है, वो अच्छा भी लगता है मुझे। दूसरा अगर जो नहीं खेला है उसके बारे में बताऊं तो एक मुदस्सिर है जो रेगुलर नहीं खेल रहा है, 1-2 साल खेला SP के लिए, लेकिन रेगुलर खेलना बड़ी बात है। एक टीम को जब अब तुम खेलते हो ना रेगुलर 5-7-8-10 साल खेलना, तो वो टीम के खेलना में एक मायने होता है। एक सैफ है बुमराह का, जिसपे मेरी बहुत नजर है, क्योंकि सैफ एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, उसको मैंने पिछले साल अलीबाग में खिलाया भी था। और एक वडोली साइड से एक प्रीतेश है, ऐसे 3-4 प्लेयर का ऐसे है जो एक अच्छे उभरते सितारे हैं और जो मेरे ख्याल से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहिए रेगुलरली। बिल्कुल, और उसमें एक तुषार मुखाड़म का भी नाम आता है जिसने तुषार बहुत भी है, बढ़िया, तुषार तुषार मुखाड़म भी है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है इस सीजन में, तो मैं मेरी तरफ से सुशांत को भी उनका मैंने नाम लेके गया था श्रीवर्धन में। यस सर, उनके ऊपर भी थोड़ी आपकी निगाहें रहे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन बैट्समैन है और वो निडर बैट्समैन, जिस तरीके होता है ना कि किसी का खौफ नहीं है, कोई भी बॉलर है उसको भी मैंने उसके लेके गया था इस अंदर, बार श्रीवर्धन खेलने के लिए। वो अच्छे प्लेयर है। मैं अपनी तरफ से अप्रोच आपको जरूर करूंगा। जी जी तो जरूर, बात करते हैं अब हमारे थाना क्रिकेट एसोसिएशन, जिस तरीके से रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं, जिस तरीके से रूल्स बनाए जाते हैं, नेता गोले साहब के अध्यक्ष हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, रणजी सर हो गए और तमाम जितने भी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, थाना क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में आप क्या हमसे बात करें? देखो कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले एक एसोसिएशन होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज में जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, आप रूल्स नहीं होंगे ना, वो चीज सक्सेस नहीं हो सकती। इन लोगों ने थाना के क्रिकेट को एक आगे तक लेके जाने की एक जो सोच से एक एसोसिएशन बनाए हैं, जिसको एक फॉर्म किए हैं, एक बहुत अच्छी चीज है। और मैं यही चाहता हूँ जितनी भी टीम मेंबर्स है, टीम के जो भी कैप्टन्स लोग हैं, टीम के जितने भी मेंबर्स है, इन लोगों की बात एक्चुअली सुने। कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ डिसीजंस हमारे अगेंस्ट में भी हो जाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की राय अलग होती है, ठीक है। उसमें भी एसोसिएशन में मेरे ख्याल से लगभग 8 से 10 लोग होंगे, ठीक है, सबकी राय अलग अलग होती है। तो कभी कभी हमें किसी की हेलो, आवाज आ रही है? कभी कभी ऐसा होता है, हाँ आ रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी की राय पसंद नहीं आती, लेकिन 8 इंसान मिलके एक डिसीजन जल्दी दे नहीं सकते ना, सबकी राय अलग अलग होती है। तो हम लोगों का काम ये बनता है एज अ प्लेयर
कि किसी का भी कोई भी डिसीजन हो, अगर फाइनल, अगर जैसे मेगा ने अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो उसको मानो। मेरे खुद के ऊपर बैन लगा है 2 टूर्नामेंट का, मैंने भी एकदम अच्छे से एग्री कर लिया, मैंने भी कुछ मचमच नहीं किया वो चीज के लिए, हालांकि नहीं होना चाहिए था मुझे भी पता है, लेकिन ठीक है मैंने गलती किया, ग्राउंड पे मेरे साथ हुआ तो मैंने एग्री करा। तो ऐसा कुछ भी ऐसा होता है ना तो ये चीज को एग्री करे, ये अपने ही फायदे के लिए। अगर कोई भी इंसान जब तक रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता, उसकी टीम आगे तक नहीं जा सकती, तो फॉलो बिल्कुल करें बहुत अच्छा होगा आप लोगों के। बिल्कुल उसी तरीके से थाना क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में आपने ढेर सारी बातें की। यंगस्टर्स जो हैं हमारे ऊपर से जो सिखा रहे हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, आपकी तरह खेलना चाहते हैं, आपकी तरह उनका परफॉर्मेंस है वो बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे मेरे चैनल पर? देखो सबसे पहले तो ये बोलूंगा क्रिकेट में फिटनेस बहुत जरूरी है, सबसे पहले फिटनेस, ठीक है। दूसरी बात, हमेशा जमीन पे रहना, आसमान पे मत जाना, जितना ऊपर जाओगे उतने ही जोर से नीचे आओगे और गिरोगे, तो हमेशा जमीन पे रहना। मैंने क्रिकेट में 2 चीज सीखा हूं, भले ही मैंने कितना भी नाम कमाया हो कुछ भी हो, लेकिन मैंने हमेशा जमीन पे ही पैर रखा। आजकल के क्रिकेटर लोगों की बुराई क्या हुई मालूम है, क्योंकि लाइमलाइट आजकल ज्यादा हो गया, 2 सिक्स मार दिया स्टार बन जाता कोई भी प्लेयर। दो बिल्कुल सिक्स मारो अच्छी बात है, लेकिन वो चीज को ना दिल में रखो। आप लोग लोगों को जाहिर कर देते हो कि मैं स्टार, मेरे अलावा कुछ नहीं, कॉलर टाइट। उसी बिल्कुल इसी वजह से ना बॉम्बे टीम में आजकल अपने थाना के ज्यादा प्लेयर जा नहीं पा रहे, खुद के दम पे कोई लेके जा रहा तो ही जा रहे, खुद के दम पे कोई नहीं जा रहा, ठीक है। कोई लेके जा रहा तो भी 1 साल खेल रहे, 6 महीना खेल रहे, फिर रिटर्न आ जा रहे। मैं क्या बोलता, लंबा क्रिकेट खेलना, लंबी रेस का घोड़ा अगर कभी बनना है ना तो जमीन पे रह के ही बनना। तो बिल्कुल ये सब लोगों को मैं सीख दूंगा, कितने भी सिक्स मारो जमीन पे रहो, अपना एटीट्यूड क्रिकेट की तरफ अच्छा रखो, लोगों के साथ अपना एटीट्यूड अच्छा रखो, ग्राउंड पे तुम। संदेश दिया है। और एक्चुअल कहते हैं, मैं आपको जरूर एक और चीज बताना चाहूंगा कि मैंने खुद का एक चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है NFC लाइव। आने वाले वक्त में सभी कवरेज मेरे चैनल के माध्यम से होंगे, तो उस चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अक्षु भाई? देखो बहुत अच्छी बात है कोई भी एक चैनल स्टार्ट करना, क्योंकि आज का दौर ऐसा है ना, हर एक चीज ना मीडिया हो गई है, तो बिल्कुल क्रिकेट को एक लैमलाइट होने के लिए ना मीडिया का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने जो भी काम किया है ये मेरे ख्याल से थाना में बहुत पहले होना चाहिए था, आज से लगभग 4 से 5 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है देर आए दुरुस्त आए, किसी ना किसी ने तो स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है। इससे प्लेयर्स लोगों का फायदा ये होगा कि सब लोग यूट्यूब पे उनकी वीडियोज देख पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स लोगों को ना प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। तो जो भी आपने स्टार्ट किया है इसको आगे कंटिन्यू रखे, हमारे से कुछ भी अगर कोई भी चीज की उम्मीद रहेगी तो हम हमेशा हेल्प करने को रेडी है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। समय की भी सीमा है, अब हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन अक्कू भाई कहता है कि आपको इजाजत लेना है जरूरी, क्योंकि मैं ठीक अक्सर कहता हूँ कि अगर क्रिकेट की बात निकलती है अक्कू भाई, तो वो पूरा दिन भी अगर हमें मिले ना तो भी कम है। कम और पड़ेगा, कम बहुत पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें जानना थी आपसे, लेकिन अब समय का भी थोड़ा सा पालन करना है। और आपको भी पता है चांद रात है, तो कल की ईद चंद्रा की भी तैयारी करना है, और कल तमाम जो हमारे दर्शक हैं उन्हें ढेर सारी ईद की मुबारकबाद। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं और जो मेरे चैनल पर देखेंगे उन्हें आपके तरफ से भी जरूर ईद की शुभकामनाएं आप दें। जी, जितने भी लोग मेरे फैन फॉलोअर्स है, जितने भी लोग ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, मतलब इंस्टा पे देख रहे हैं लाइव, जितने भी लोग हैं सबको मेरी तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, सबको ईद मुबारक हो, सब लोग अच्छे से ईद मनाओ, लेकिन थोड़ा सा बस वायरस का थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा ना हो जाए कि अपने वजह से किसी और को भी तकलीफ हो जाए, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि अपने वजह से ही लोगों को तकलीफ हो रही है, अगर एक को बिल्कुल भी फैलता है तो दूसरे अपने जो साथ वाले लोग हैं उन लोगों को फैलता है, तो अपनी भी हिफाजत करें और दूसरों का भी हिफाजत करें, ठीक है, जितना हो सके उतना ख्याल रखें सब चीजों का। तो अक्कू भाई, अब विदा लेने का समय हो चुका है। फिर से एक बार मैं आपका धन्यवाद प्रकट करूंगा कि आपने मेरे चैनल पर जो समय दिया, हमने बहुत सारी बातें की हैं, और ये या बातें हमेशा यादगार रहेंगी। और मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, इसकी लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आप खाली आपसे एक ही विनती है कि आप अभी अपने जितने फॉलोअर्स को या फॉलो करोगे या फिर जिसे सेंड करोगे आप ये मैसेज, मैं जो आपको लिंक दे दूंगा, सिर्फ आपसे ये विनती रहेगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा, बेल आइकन को दबाने भूलिएगा, क्योंकि जो भी नई अपडेट आएगी उस पर अपलोड होगी। इसके लिए मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप प्लीज थोड़ा सा, यही मुझे आपकी सपोर्ट लगेगी कि आपके फॉलोअर्स है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फंडा ऐसा है अक्कू भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं, 1,000 सब्सक्राइबर, कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर जब तक के नहीं होंगे मैं लाइव कवरेज पर नहीं जा सकता हूँ, लाइव
मैं नहीं आ सकता हूँ, इसलिए आपकी ये सपोर्ट लगेगी, तो प्लीज मेरे चैनल के लिए दो शब्द आप जरूर कहिए। देखो जैसा कि मैंने बताया, ये जो भी चैनल आप लोगों ने बनाया है ये हम हाँ जी प्लेयर्स लोगों के लिए ही बनाया, ठीक है। तो जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, तो मैं सब लोगों से एक हाथ जोड़ के बोलो, या एक बड़े भाई की तरफ से बोलो, या एक दोस्त की तरफ से बोलो, ये विनंती करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा वो हमारे लिए फायदा बन के आएगा आगे, ठीक है, अपने लिए ही काम में आएगा। तो जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक है, और आगे लेके जाने की हमारी कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर, आपसे मैंने बहुत सारी बातें की। आपको भाई अब विदा लेने का समय आ चुका है, कहीं ना कहीं आपसे मैं फिर मुलाकात करूंगा, ये आशा और उम्मीद जी करता जरूर हूँ। जरूर तब जरूर तक मैं शरद भाई, कहता हूँ आपसे इजाजत, जय हिंद जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये थे हमारे साथ अक्षर शेख, हमने इनसे की ढेर सारी बातें। कल है ईद का त्योहार, और ईद के त्योहार पर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के साथ कुछ समय दूं, लेकिन उसके लिए मैं टाइम आपको नहीं बता सकता कि कौन से टाइम मैं लाइव आऊंगा। लेकिन फिर से एक बार आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, करोना जो बीमारी फैली है इससे दूर रहिएगा, और अपने आप को जरूर अपनी फैमिली को सेफ रखिएगा। तो गाइज अब हो चुका है समय आपसे विदाई लेने का, फिर करूंगा आपसे मुलाकात जरूर। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। लॉकडाउन से तैजात में अब वक्त हो चुका है आपसे विदाई लेने। तो जय हिंद जय महाराष्ट्र, जय क्रिकेट।